जानकी नाथ नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अर गुरु वरदायक चिरो सूरज मंगल सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अर गुरु वरदायक तेरो राहु केतु की न
नहीं गम्यता राहु केतु की नहीं गम्यता तुला शनि चर होए चेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगार करे नर तेरो जानकी सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो दुष्ट दुशासन दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी वस्त्र उतारन मंत्र विचारो दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी वस्त्र उतारन मंत्र विचारो जाकी सहाय करिय दुनंदन जाके सहाय करिय दुनंदन बढ़ गयो चीर को भाग घनेरो जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगार करे नर तेरो जानकी जाकी सहाय करे करुणा निधि उनको जग में मान धनीरो निर्गा पांगरे सा जाकी सहाय करे करुणा निधि उनको जग में मान भनीरो रघुवंशी संतन सुखदाई रघुवंशी संतन सुखदाई तुलसीदास चरण को चेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगार करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन
बिगार करे नर तेरो कौन बिगार करे नर तेरो कौन बिगार करे नर तेरो जान की नाथ। चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः श्रीरामाय गुरवे नमः श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
मन नारायण 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 मन मन नारायण 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 मन मन नारायण 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 मन मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 श्री मन नारायण राघवेन्द्र सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आओ हम सब मिल करके श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में चले अपने भाव पुष्प उनके श्री चरणों में समर्पित करें। ऐसा लगे कि हमारे साक्षात गुरुदेव भगवान नेत्रों के सामने ही विराजमान हैं और हमें उन्हें निहार कर अपने हृदय के भाव उनके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से ही भावित होकर आओ हम सब मिलकर पहले गुरुदेव वंदना करें, उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी महाराज के श्री चरणों में चल करके योग वशिष्ठ का आनंद लें। पहले गुरुदेव की मधुर स्तुति। गुरु गोविंद दोनों खड़ी काके लागू पान बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए गोविंद दियो मेरे गुरुदेव करो
आधीन शरण अब शरण जिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा सिंधु के मझधार में खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आसरा संसार में मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए जब तब न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है मुझ में है जब तब न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है निलजता है एक बाकी निलजता है एक बाकी और सब अभिमान है मेरे गुरुदेव बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ बचाओ नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही
गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ लेंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी यदि छोड़ लेंगे फिर कहाँ जाऊं। जन्म दुख से नाब कैसे, जन्म दुख से नाब कैसे पार कर पाऊंगा मैं मेरे गुरुदेव सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आप की, सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आप की। पार करना या न करना, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आदीन शरण अब शरण मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा हे मेरे परमाराध्य देव, साधन नहीं है, भजन नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, बस केवल तुम्हारी कृपा का ही बल है। आपके पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार यही प्रार्थना है, हमारे जैसे अनाथ को आपने सनाथ बनाया है,
बस आपकी ये करुणा कृपा सदा यूं ही बनी रहे, यही आपके श्री चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के महाराज श्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के युगल चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद पूज्य विद्वत वृंद स्नेहमयी ममतामयी आदरणीय माता जी, अपने स्वरूप की जानने की इच्छा लेकर के विराजमान साधक वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। उन्हीं की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सबका जीवन आनंद से भर जाए, रस से भर जाए, उल्लास से भर जाए। इसके लिए अपने शरीर को तो आप यहीं रहने दीजिए, अपनी चित्त वृत्ति को हमारे साथ श्री वशिष्ठ जी महाराज के समीप ले चलें, जो ब्रह्म विद्या विशारद हैं, ब्रह्मविद हैं, श्री राघवेंद्र सरकार को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए पावन पवित्र विद्या श्रवण करा रहे हैं। प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हम सब साधन पर विचार कर रहे थे, इस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए जो वैराग्य की आवश्यकता है उसमें अहंता और ममता के त्याग का महत्व है। सबसे पहले इस शरीर के प्रति जो मैं भाव हो गया है कि मैं शरीर हूं, नारायण इसी के कारण तो सारे जगत के झमेले हैं। आप देखिए जितने भी दुख हैं, दुखों के मूल में यदि आप पाएंगे तो ये अहंकार ही पाएंगे, जो शरीर के प्रति अहं बुद्धि है। और जब इसके साथ अहं बुद्धि होती है तो अपने आप इससे संबंध रखने वाले लोग ममतास्पद हो जाते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। इस शरीर के साथ किसी का कोई संबंध हो नहीं सकता नारायण, किसी भी विधि से, चाहे आप किसी भी विधि का विचार करें। हमारे एक महात्मा बड़े विरक्त थे, वो कई बार अपनी मस्ती में आकर अपनी पूर्व चर्चा सुनाते थे कि जब मैं घर छोड़ करके आया तो मेरी मां बड़ी गाली देती थी मुझे कि 9 महीने में मैंने गर्भ में रखा, मैंने दूध पिलाया, बड़ा किया, योग्य बनाया, और जब इस बाबरे को हमारा पालन करने का समय आया तो बाबा जी बन गया, भाग गया। तो बोले पता नहीं एक बार मेरे मानस में आया कि मां से मिल करके आता हूं, उससे पूछूं कि उसने मेरे को बनाया है तो मैं उससे मिलकर आऊं। तो कहा मिलने के लिए गया तो बड़ी नाराज तो थी, कटु वचन बोलने लगी और बोले मैंने तेरे को पैदा किया है। तो महात्मा कहने लगे कि मां मैं मानता हूं कि तुमने मेरे को पैदा किया है, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। उन्होंने महाराज अपने एक सर का बाल तोड़ा और बाल तोड़ करके कहते मैंने मां के पास रख दिया और कहा मां इस शरीर की बात तो छोड़ दे, तू एक ऐसा दूसरा बाल बना दे तो मैं जान जाऊं तुझने शरीर बनाया है, एक दूसरा ऐसा बाल बना दे
महाराज कहां से बना देगी। तो ये जितने भी संबंध हैं मैं के, ये ममतास्पद जितने संबंध है, ये माया जन्य ही हैं। और ये माया मिटे, आप लोग ये मत विचार कीजिएगा वैसे ही आजकल संबंध शिथिल पड़ रहे हैं, आजकल संबंधों का महत्व जा रहा है, तो आप कहोगे वैसे ही संबंध शिथिल पड़ रहे हैं और आप बाबा जी बनकर और संबंध खराब करोगे। वैसे बच्चे आजकल माँ बाप को नहीं मानते, फिर और मानना बंद कर देंगे। नारायण ये उद्देश्य नहीं है, आप अभी सुनेंगे। ममता मिटती है तो ये मत समझिएगा कि ममता मिट जाने के बाद व्यक्ति, अहंता मिट जाने के बाद वह कर्तव्य परायण नहीं रहता है, क्योंकि राम जी महाराज से ज्यादा कोई बुद्धिमान तो हो नहीं सकता है। और राम जी इस योग वाशिष्ठ के मुख्य श्रोता हैं, और राम जी जिन्हें जब ये सुनी है गाथा तो 16 वर्ष से कम आयु है। तो राम जी ने इस योग गाथा सुनने के बाद ही, योग वाशिष्ठ सुनने के बाद ही सारे कर्तव्यों का पालन किया है, किसी कर्तव्य से पलायनवादी नहीं बने हैं। तो ये विद्या हमको पलायनवादी नहीं बनाती है, आप ये मत समझिएगा कि विद्या हमको पलायनवादी बना देगी, आलसी बना देगी, प्रमादी बना देगी। ये तो हमारे पौरुष को और जगाने वाली विद्या है, किंतु जो हमारे चित्त की पीड़ा है, अभाव है, दुख है, उसको मिटाने वाली ये विद्या है, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मिटा सकता है। जो अभाव का दुख है वो कौन मिटा पाएगा। तो हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज यहां एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाने वाले हैं, सिद्धांत यह स्थापित करते हैं, जगन माया स्वरूपस्य वर्णा मर वर्णना व्यपदेशतः दासुर आख्यायिकाम राम वर्णया नाम मया सुनो। हे राम जी, ये जगत जो है ये माया का ही स्वरूप है। आज दोपहर में इसका चिंतन कर रहा था, इन श्लोकों का एक भाव इतना रसीला आया, माया माने जो है नहीं दिखाई दे, उसी का नाम तो माया है। जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं, मानो जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम है, तो ये उदाहरण आपको बिल्कुल सबको रटाए से समझ में आ जाएगा, ये है रज्जू किंतु दिखता सर्प है, इसी का नाम तो भ्रम है, इसी का नाम तो माया है। और यहां ये है परमात्मा दिखता जगत है परमात्मा दिखता जगत है, इसी का नाम माया है। तो इस सारा का सारा संसार परमात्मा का ही रूप है, ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं है। ये हमारा दृष्टा दर्शन ये भी अध्यारोप ही है। दृष्टा व्यक्ति तब बनेगा जब कोई दूसरा होगा, दृश्य होगा, और जो अपने से अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं है ब्रह्म के अतिरिक्त, तो किसको दृष्टा कहोगे, किसको दृश्य कहोगे। ये भी महाराज केवल समझाने के लिए ही दृष्टा दर्शन ये बात हमारे गुरुजन आरोपित करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि जगन माया स्वरूपस्य वर्णनाम प्रदेशतः दासुर आख्यायिकाम नाम वर्णमानाम मया सुनु। एक महात्मा है जिन महात्मा का नाम, मुनि का नाम दासुर है, इनकी एक आख्यायिका हम आपके सामने अभी रख रहे हैं। इस आख्यायिका के माध्यम से
हमको जगत के स्वरूप का जो बोध है वह होगा। महाराज ये कह करके हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सुनाना प्रारंभ किया कि वसुधा तल में एक मगध नाम का विख्यात जनपद है, राज्य है मगध नाम का। यहां कई श्लोकों में मगध प्रांत का वर्णन किया गया है, बहुत साहित्यिक वर्णन है, उनको लगता है करीब 7-8 श्लोकों में वर्णित किया गया है। ये वहां के वातावरण का वर्णन किया गया है, कैसा सुंदर वहां का वातावरण है। वहां के वन कदम के वृक्षों से सुशोभित है, कदम जो हमारे ब्रज में है, कदम के वृक्षों से सुशोभित है। नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते रहते हैं, कदली खंड भी है वहां, केले के वृक्ष भी हैं, भ्रमर गुंजार करते रहते हैं। और ऐसे ही वातावरण में कदम वृक्ष की चोटी में, ये महात्मा को भी कुटिया बनाने का स्थान जमीन में नहीं मिला। ये महात्मा भी बड़े बड़े विलक्षण होते हैं, जैसे कोई मचान में रहने लगे तो मचान वाले महात्मा तो आपने देखे होंगे। यहां जिन महात्मा की महाराज मैं चर्चा सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये महात्मा ऐसे वैसे नहीं है, कदम वृक्ष की चोटी पर रहते हैं। इन्होंने अपनी कुटिया जमीन में नहीं बनाई है, कदम वृक्ष की महाराज डालियों पर, शिखर पर इन्होंने अपनी कुटिया बनाई है, वहां झोपड़ी बनाई है, वहां रहते हैं। और संसारी किसी वस्तु से उनको किसी से राग नहीं है। राम जी ने कहा कि महाराज मेरी एक जिज्ञासा हो रही है, असौ तपस्वी भगवान विपिने के न हेतुना। ये जो तपस्वी जी महाराज हैं भगवान, इस विपुन में किस हेतु से रहते हैं, किस कारण से रहते हैं। कथम चाप्य वसत पृष्ठे कदम्बस्य महातरो। व्यक्ति तो भूतल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहता है, साधन भजन करता है, किंतु ये महात्मा जी, ये संत जी कदम्बस्य महातरो पृष्ठे, कदम्ब के वृक्ष पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, बात क्या है? इनको क्या जमीन भाई नहीं, या भूमंडल से इनको, पृथ्वी से कोई द्वेष था, डर था किसी का? बात क्या है? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा बात कुछ नहीं है, बात इतनी है कि महाराज वसुधा में एक सरलोम नाम के महात्मा थे। सरलोम बड़े विख्यात थे उस समय ये महात्मा, और महाराज इनको अपने बेटे से बहुत प्रेम था। ये बेटा यही महात्मा है जिनकी चर्चा भी मैं दासू जी की सुना रहा हूं। इनके पिताजी का ये नाम है। ये पिताजी इसी वन में रहते थे जहां ये अभी बना करके वृक्ष के ऊपर अपनी झोपड़ी रहते हैं, इसी वन में निवास करते थे माता पिता इनके दोनों। और ये माता पिता से ही इनका संबंध था, और जगत में किसी से संबंध था नहीं। ये संसार में किसी ग्राम आदि में जाते नहीं थे, नगर आदि में जाते नहीं थे, माता पिता के स्नेह से पालित थे, माता पिता को ही देखते थे, माता पिता से ही इनका स्नेह था। उस वन में रहते रहते इनके पिताजी को बहुत दिन बीत गए, किंतु नारायण ये शरीर तो जिसका जन्म होता है उसकी मौत अवश्यम भावी है, आप अन्यथा मत मानिएगा। यहां यदि राघवेंद्र सरकार हमारे लीला के लिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला करके यदि गुनगुनाया जाएगा तो उनको भी साकेत धाम एक न एक दिन गमन करना पड़ेगा। यदि राम यहां आकर के नौमी तिथि को प्रकट होते हैं तो किसी तिथि विशेष को ही वह साकेत धाम जाते हैं। यदि कृष्ण यहां आते हैं तो उनको भी गोलोक जाना ही पड़ेगा। यहां की दृष्टि हमारा सृष्टि का नियम यहां है। हमारे एक महात्मा कहते थे
इस जगत में सबका परिवर्तन होता है, किंतु ये परिवर्तन का ही परिवर्तन नहीं होता है। सबका परिवर्तन होता है या सब विधान बदल जाते हैं, किंतु ये परिवर्तन का परिवर्तन नहीं होता, ये परिवर्तन तो होता ही रहता है। अच्छा महाराज, इतना प्रतिभा संपन्न सूर्य देखो, प्रातःकाल को यदि उदित होता है तो सायंकाल उसको जाना ही पड़ता है। तो शरीर जिसका भी जन्म लेगा, निश्चित रूप से हमारे महर्षि तो कई बार मस्ती में होते हैं, तो कई बार मैं सुनता हूं तो महर्षि बोले कि भगवान चाहते तो अपना शरीर रख सकते थे, यहां सदा सर्वदा विराजमान रहता, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, तो क्यों शरीर नहीं रखा। बोले कि भगवान ने सोचा होगा यदि हम शरीर रख लेंगे तो ये ब्रह्मज्ञानी लोग कहेंगे हम भी रखेंगे, अरे आप रख सकते हो तो हम भी रखेंगे, तो प्रकृति में गड़बड़ मामला न हो जाए। तो महाराज महाजन लोग फिर क्या करते, कहीं विकल्प ही न बने। अभी हरिद्वार में प्रातःकाल एक बगीचे में घूमने के लिए गया, महात्मा का बगीचा था घास का बना हुआ, तो प्रातःकाल में उस बगीचे में घूम रहा था, तब तक माली आया और माली ने कहा निकलो बाहर। बाहर निकल गया, उसने प्रणाम करके कहा जिनका ये बगीचा है वही नहीं घूमते हैं, पहले वो भी इस बगीचे में घूमते थे तो उनको देख करके और लोग भी घूमने लगे। अब जब और लोग घूमने लगे तो उनसे बड़े बड़े महात्मा हैं, मैं यहां आश्रम में सेवा में लगा हुआ हूं, कोई स्थान यहां बनाया जाए बगीचे का, और उस स्थान पर यदि अपने राम घूमे तो हमारे गुरुजन भी तो यहां रहते हैं, तो गुरुजन लोग भी घूमेंगे। अब हम ये कहें कि हम तो घूमेंगे गुरुजन नहीं घूमेंगे, तो ये तो संभव नहीं हो सकता है, ये व्यवहारोचित भी नहीं है। तो भाई हमने इस बगीचे को लगाया है तो नियम बनाए कि हम ही नहीं घूमेंगे, तो अपने आप दूसरे नहीं घूमेंगे। तो भगवान ने सोचा कि यदि हम शरीर रख लेंगे तो हमारे गुरुजन तो भी विराजमान है यहां, गुरुजन लोग कहेंगे भाई हम भी शरीर रखेंगे, तो कहा कोई बात नहीं चलो हम भी लेकर चलते हैं, तुम भी चल पड़ना। इसलिए महाराज ये शरीर जिसका भी जन्म लिया है वह उसका शरीर जाएगा, और जब इनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया महात्मा का सर्वलोम का और साथ में मां का भी शरीर पूरा हो गया। आज मैं एक विचार और भी कर रहा था बंधु, वो ध्यान रखना, कई बार हम लोगों को भ्रम होता है घर द्वार छोड़ करके वन में रहने लगेंगे तो भगवान मिल जाएंगे या ममता कट जाएगी, ये वन जाने से ममता ममता कटने वाली नहीं है, ये ममता कटेगी केवल विचार से। आप जरा सोचिए तपस्वी कितने दिनों से रह रहे थे वहां पर, अब ये इनका शरीर पूरा हो गया तो इनकी पत्नी ने भी शरीर छोड़ दिया, और जब महाराज इनकी पत्नी में शरीर छोड़ दिया तो ये बालक अनाथ हो गया। एक एव बने तस्मिन दासुर प्ररोध हा, ये महाराज ऋषि पुत्र दासुर बहुत रोता था। कैसे रोता था, बोले करुणम कुररो यथा, जैसे कोई कुररी मारा कुरर नाम का पक्षी है वारुदन कर रहा हो। बन बन महाराज रात भर चिंतन करता था, दिन भर पिताजी माताजी का चिंतन करके, और वन में रुदन करता हुआ घूमता था, बड़ी पीड़ा थी। जब महाराज इसको बड़ी पीड़ा थी तो वन में रहने वाले देवता देवियों को भी पीड़ा हो गई कि अरे बालक रोता रहता है। तो वन के जो देवता हैं भाई, जहां रहते वहां का अधिष्ठात्री देवता भी होता है, जहां स्थान का अधिष्ठात्री देवता होता है, तो वन में रहते थे तो वन का जो अधिष्ठात्री देव था वनदेव, महाराज इस बालक को रुदन करते हुए देखा तो सामने प्रकट तो नहीं हुआ, किंतु बिना प्रकट हुए उसने कहा ऋषिपुत्र महाप्राज्ञ किम आज्ञम इवरोदशी, अरे ऋषि पुत्र, ऋषि माने होता है जो रिसर्च में लगा हो, जो महाराज खोज में लगा हो,
ऋषि माने आप बाबा जी मत समझ लीजिएगा कि लाल कपड़ा पहन लिया उसका नाम ऋषि हो गया। ऋषि शब्द का अर्थ मैं तो रिसर्च करता ही रखता हूं, खोजी, जो नए नए खोज, जैसे आजकल लोग नए नए खोज करके देते हैं, वैसे नई नई विधा खोज कर दी जाए जिससे लोग, ऋषि महाराज तो ये अध्यात्म विद्या की खोज करके देते हैं जिससे आपका चित्त शांत रहे, सुखी रहे। तो ये कहा कि तुम तो ऋषि पुत्र हो और महाप्राज्ञ हो, बुद्धिशाली हो, बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान होकर किमज्ञम युरोदशी, ये तुम रोते तो ऐसे हो जैसे महामूर्ख हो, अज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, अज्ञानी के समान। अरे प्रज्ञावान ऋषि पुत्र, अमर महाराज जी ने तो एक बात और भी अच्छी कही है कि सामने जिसको अपनी बात सुनानी हो, जैसे कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने वाले को डांटना नहीं चाहिए। प्रश्न पूछने हमारे महर्षि, तो महाराज मैं देखता हूं अगर गलत भी कोई प्रश्न पूछे तो महर्षि पहले प्रश्न का सुधार करेंगे और सुधार करके फिर प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जो गुरुजन होते हैं ये तो करुणा के कारण ही तो बोलते हैं। आप देखेंगे पुराणों में ये बड़ी विधा का प्रयोग किया गया है, जब गुरुजन कोई बोलना प्रारंभ करते हैं तो पहले शिष्य की प्रशंसा कर देते हैं। तो हमारे महर्षि कहते हैं प्रशंसा कर देने से प्रज्ञा प्रफुल्लित हो जाती है, बुद्धि प्रफुल्लित हो जाती है, और जब बुद्धि प्रफुल्लित हो गई और आप उस समय कुछ बोलोगे तो वह ग्रहण करने का सामर्थ्य रखेगी। और आप किसी को डांट दो, डपट दो, उसके बाद अच्छी से अच्छी बात सुनाओगे तो ग्रहण करने का सामर्थ्य बुद्धि में कहां रहेगा। तो आवश्यक है कि हमारी बुद्धि की ग्रहण करने का भी सामर्थ्य बना रहे, क्योंकि नारायण ज्ञान का तभी महत्व है कि हमारी बुद्धि को ग्रहण हो जाए वो ज्ञान। अब ज्ञान हम बहुत ज्यादा सुना दें किंतु अपनी मति उसको पकड़ ही ना पाए। मैं तो महाराज देखता हूं ज्यादा इस बुद्धि पर जोर दे दो तो ये समझना ही बंद कर देती है। जैसे महाराज आपने कभी ध्यान दिया होगा, आजकल जो एमसी क्या बनाते, ज्यादा लोड हो उस पर आ जाए तो अपने आप नीचे गिर जाती, जैसे आज आप लोगों को गिर गई, तो लोड ज्यादा आने पर अपने आप वो नीचे गिर गई, लाइट कट गई। ऐसे बुद्धि पर भी ज्यादा बोझ दे दिया जाए, विचारणा का आज मैं देख रहा था इस बुद्धि को, इस पर ज्यादा काम दे दिया जाए तो ये फिर सोचना ही बंद कम कर देती, मंद ही कर देती है। फिर लगता है कि अब भाई इसको थोड़ा विश्राम दो, जैसे महाराज मोटर गर्म हो जाती है तो पानी उठाना बंद, तो ठंडी हो जाए तो फिर उठाना चालू करती, ऐसे प्रज्ञा का खेल है बुद्धि का। तो ये बहुत तो रुदन कर रहे थे, रुदन के कारण भी बुद्धि कुंठित तो हो गई थी। तो अगर ये देवता जो महाराज बनदेव थे, अगर इस ऋषि पुत्र को डांट लगाते, मूर्ख कहीं के रोता रहता है दिन भर, महाराज डांट लगा करके फिर कोई बात कहते तो समझ में नहीं आती। इसलिए पहले ध्वनि में प्रशंसा हुई, ऋषि पुत्र महाप्राज्ञ, अरे बुद्धिशाली प्रज्ञावान ऋषि पुत्र, तू रो रहा है। अच्छा एक बात बता, तू रो रहा है किसके लिए रो रहा है? बनो इन्होंने रोते रोते ऋषि पुत्र ने कहा, पिताजी के लिए रो रहा हूं, मां के लिए रो रहा हूं। अच्छा उनके लिए रो रहा है तू? वो चले गए ना? हां उनका शरीर पूरा हो गया। बोले एक बात बता तू, संसारस्य कस्मात् त्वं स्वरूपं वेति चंचलम्। ये संसार के स्वरूप का कभी तुमने चिंतन किया है? ये संसार का जो स्वरूप है यही मारा चंचल है, यही मरने वाला है। आप जरा कभी विचार कीजिएगा, मैं तो कई बार विनोद में इस बात को बोलता हूं अपनी कथाओं में कि जैसे कोई मिठाई की दुकान पर कोई व्यक्ति जाकर के कहे 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो दुकानदार निश्चित रूप से समझ जाएगा कि इसका स्क्रू ढीला है। और हमारे वृंदावन में होएगा तो कह देंगे या को आगरा भेज दो, पेठा खाने के लिए नहीं, ताजमहल भी देखने के लिए नहीं, वहां कुछ और भी है, उसका नाम हम नहीं बताएंगे।
जो मिठाई की दुकान में जाकर वस्त्र मांगता है, कपड़े मांगता है, उसको प्रज्ञावान नहीं कहा जाएगा, बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, समझदार नहीं कहा जाएगा। वैसे ही हमारे जिस संसार में जो शरीर को सदा रखना चाहता है, संबंधियों को सदा समीप रखना चाहता है, कभी न बिछुड़े, कभी शरीर से अलग न हो, यदि ये चाहता है तो रण ये चाहत वैसी ही है जैसे कपड़ा चाहने वाला मिठाई की दुकान से कपड़ा चाहता है। ये नश्वर संसार से, तो यही कहते हैं संसारस्य नकम न कस्मात तुम स्वरूपम वेति चंचलम। ये संसार तो महाराज वैसे ही चंचल है। सर्वदेवई दृशो साधो संसारे संस्थिर चला जायते जीव्यते पश्चात वश्यम च विनश्यति। संसार का जो स्वरूप है ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये विकारवान है। तो यही कहते हैं कि महाराज ये संसार तो संस्कृति का हेतु ही है। यहां जिसका जन्म होता है जायते जीव्यते पश्चात, पहले महाराज ये जन्म हुआ, जीवन मिला, और महाराज ये रहा जीवन में, और उसके बाद यह विनश्यति नष्ट हो जाता है। संसार में ये निश्चित है, प्रत्येक पदार्थ के साथ लगा लेना, ऐसा इस जगत में कोई पदार्थ नहीं है जिसका नाश न हो, सभी का नाश है। हमको पूरी बात तो याद नहीं, आप लोगों को ज्यादा याद होगी, ऐसे मैंने सुना है कि शायद भर में बुद्ध भगवान की एक चर्चा है, किसी वृद्धा का शरीर, वृद्धा के पुत्र का शरीर पूरा हो गया, बुद्ध भगवान के जीवन की चर्चा है शायद, मैंने इसे सुना है किसी महात्मा से। तो वह वृद्धा बहुत रोई बुद्ध भगवान के पास कि इस बालक को जीवित कर दो, बहुत व्यथित थी। बुद्ध भगवान ने बहुत उदाहरण दे दे के समझाया कि अब ये आएगी नहीं, और ये संसार का नियम यही है। जब उसको समझ में नहीं आया तो बुद्ध भगवान ने कहा जा किसी के घर से मिट्टी ले आ जिसके घर में कभी मौत न हुई हो, उसके घर की मिट्टी ले आ, तो फिर ये हम इसको जीवित कर देंगे। नारायण वह सब जगह गई, घर में सब जगह मांगी, कौन ऐसा घर है। हमको तो कई बार लगता है कि संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां कभी किसी को दफनाया न गया हो। ये सारी पृथ्वी, यहां जहां बैठे हो ना, यहां भी जाने कीने कीते कीड़े मकोड़ों को तो समाधि दी गई होगी, उसी से भरा पड़ा है। कहां जाओगे आप, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके यहां किसी का मरण न हुआ हो। महाराज बंदेव ने इनको समझाया और कहा कि देखो भाई, वैसे तो मैं निवेदन करूं, ये अज्ञात हेतु बुद्धेस्तु सोत्रियस्य तथातया, अगर तुम इस विद्या को समझ जाओ, उस विद्या के समझ जाने के बाद फिर मरण आदि का दुख स्मरण होता ही नहीं है। सच में क्या बिछुड़ना, क्या मरना, उस विद्या को जानने का तुम प्रयास करो। केवलम सर्व मेवेदम अपिशुद्धम धरातलम अशुद्धमिव पश्यन् सनेमे कुछ देव ही। महाराज इनको कहा कि उस ब्रह्म विद्या को पाने का प्रयास करो, जिस ब्रह्म विद्या के प्राप्त करने के बाद जीव के जीवन में फिर मरण का भय नहीं रहता है, एकदम मरण का भय नहीं रहता है। और जब महाराज ये बंदेव ने इनको समझाया, उवाच वचनम धीरम कुमाराभिमतम वरम गृहाण स्थापितम साधो, महाराज इस प्रकार से समझा करके इनको, और ये आकाशवाणी जो हो रही थी, बंदेव जो बोल रहे थे मौन हो गए। और जब ये बात हमारे
ऋषि पुत्र ने सुनी तो ऋषि पुत्र को लगा कि तप करें जिससे अंतकरण पवित्र हो, और महाराज उस पवित्र अंतकरण में ही इस पावन पवित्र विद्या का स्फुरण हो। तो साधना कहां करनी चाहिए, तो इन्होंने बहुत स्थान खोजे किंतु सब जगह कुछ न कुछ गड़बड़ी, कुछ न कुछ गड़बड़ी। और महाराज है कहीं कितना भी जाओ, जब तक अपने मन को ही शांत नहीं करोगे तो महाराज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी स्थान सर्वांगीण आपके अनुकूल नहीं मिलेगा। आप कितना भी भटक लीजिएगा, यहां अगर जहां आप हैं, कहीं भी घर में हैं, जहां भी हैं, वहां कुछ और प्रकार की समस्याएं होंगी, दूसरी जगह जाओगे तो दूसरे प्रकार की समस्याएं होंगी। ये मन में ही समस्याएं रहती हैं, बाहर नहीं समस्याएं। ये समस्याएं जितनी हैं हमारे मन में हैं, और हम जहां जहां जाएंगे हमारा मन हमारे साथ ही तो जाएगा। अब जब हमारा मन साथ जाएगा तो समस्याओं को हम साथ ही लेके तो जाएंगे। तो महाराज जहां हम हैं वहीं आराधना वैसे तो हम प्रारंभ कर दें। महाराज इन्होंने बहुत खोजा स्थान कि यहां तप करें, यहां तप करें, यहां तप करें। यहां तो वर्णन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पिताजी का जो मरण हुआ होगा ये विचार ही है, वो तो महाराज घटना इसमें विस्तार से कोई वर्णन नहीं की गई उनकी मौत का वर्णन, क्योंकि मौत का वर्णन सुनाना अभिष्ट है भी नहीं। किंतु कार्य को देखकर कारण का अनुमान ज्ञान लगाया जाता है। तो ये वन में रहते थे, झोपड़ी में रहते होंगे, सिंह आदि आ गया होगा या कोई जंगली जानवर आ गया होगा, जिसके कारण क्योंकि कोई ना कोई शरीर को नष्ट करने का निमित्त बनता है। हमने एक जगह सुना है कि महाराज मौत एक दिन ये रोता रोता परमात्मा के पास गया, बोले मेरे को काहे को बनाया है, मुझे क्यों बनाया। भगवान ने कहा क्यों, बोले सब गाली देते हैं हमको, सब कहते हैं इसने मार डाला मार डाला मार डाला। भगवान ने कहा जाओ, अच्छा आज के बाद तुम्हें कोई नहीं कहेगा, कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। किसी पूछो क्या हुआ, बोले बुखार आ गया था मर गया, हार्ट अटैक हो गया मर गया, कैंसर हो गया मर गया। तो ये सब नाम ही तो अलग अलग हो गए, रोगों का नाम बदनाम होता है, काम मौत करता है। नाम तो इन रोगों का बदनाम होने लगा कि नाम तुम्हारा खराब हो काम हम करेंगे। ये चालाक लोग महाराज तो ऐसे ही करते, ये मौत से बड़ा चालाक और कौन होगा, नाम तुम्हारा खराब हो काम हमारा होगा। तो संयोग से ये नाम ही महाराज दूसरों का लगता है, काम तो मौत करता है। तो इन्होंने सोचा होगा स्थान पवित्र नहीं, भय से युक्त है, अब हम वृक्ष के ऊपर अपनी झोपड़ी बनाएंगे, वहां से महाराज सब दिख जाएगा कि कौन आया कौन गया। महाराज इन्होंने कदम्ब वृक्ष के ऊपर सुंदर सी झोपड़ी बनाई, और ये कदम्ब वृक्ष का भी यहां वर्णन किया गया, बहुत विशाल कदम्ब वृक्ष है, हजारों पक्षियों के रहने का स्थान है। उसमें ये भी पक्षी बन करके रह गए, वृक्ष में रहे तो पक्षी तो है, तो तब क्या पक्ष लेकर पक्षी बनकर मानो रह गए। सब कोई अपने अलग अलग पक्ष का पक्षी है, कोई किसी पक्ष का पक्षी है, कोई किसी का, कोई न्याय का, कोई वैशेषिक का, कोई भक्ति का, कोई पूर्व मीमांसा का, कोई उत्तर मीमांसा का, ये सब पक्षी ही तो हैं, अपना अपना पक्ष लेकर बैठे हुए हैं। हमारा ये पक्ष, हमारा ये पक्ष, हमारा ये पक्ष, और महाराज इतना प्रबल पक्ष हो जाता है कि दूसरे पक्ष वालों को सुनना भी नहीं चाहते, वो ज्ञान की चर्चा सुन भी नहीं सकते हैं। हम तो कई बार महाराज देखते हैं कि अगर ज्ञान की कोई बात करना प्रारंभ कर दो तुरंत उठकर चले जाएंगे, बोले अभी ये मायावादियों की बात हम नहीं सुनते हैं। अरे महाराज ऐसे ऐसे कहते मायावादियों का तो हम मुख नहीं देखेंगे, और मुझे तो कई बार लगता है सबसे बड़े मायावादी वही है, सबसे बड़े मायावादी हुए और कहते हैं हम मायावादी को, अरे हम लोग तो ब्रह्मवादी है भाई, हम लोग तो माया की सत्ता ही नहीं स्वीकार करते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की परंपरा में तो माया की सत्ता ही नहीं है,
जगत की सत्ता नहीं है तो जो माया की सत्ता स्वीकार नहीं करता वो मायावादी कैसे हो जाएगा? जिनके चित्त में माया भर गई है वो मायावादी हो सकते हैं। हम लोग तो ब्रह्मवादी हैं, हम लोग तो परमात्मावादी हैं। तो महाराज ये जो पक्ष लेकर के बैठ जाए वही पक्षी है, ये हमारा पक्ष है, ये हमारी मान्यता है। और महाराज आपको बताएं, ये जितनी भी मान्यताएं हैं आप अन्यथा मत मानिएगा, अगर आप अपनी बुद्धि को खुला छोड़ोगे तो ये सब मान्यताएं चकनाचूर होती जाएंगी। ये जितनी भी मान्यताएं हैं, वेद प्रतिपाद जो तत्व है उसको छोड़कर जितनी भी मान्यताएं हैं, हम तुम्हारे कई बार देखते हैं कि ऐसी प्रबल मान्यताएं थी चित्त में, ऐसा ही होता है, किंतु आज हम गुरुजनों की कृपा से देखते हैं वैसा होता ही नहीं है। वो मान्यता कहां चली गई कुछ पता नहीं। इसलिए किस मान्यता के आधार पर तो मानो ये पक्ष एक लेकर के बैठ गए और उस वक्त करके महाराज उन्होंने साधना प्रारंभ की। अब देखो भाई बात यह है, मैं निवेदन एक बात कर देना चाहता हूं, साधना यदि सकाम होगी तो तत्त्व कामना को पूरी करेगी। एक बात ध्यान देने लायक बस ये, साधना यदि हम करते हैं, कोई भी साधना, जो भी साधना अपनी गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त है, अगर वह साधना हम करते हैं तो जिस कामना को लेकर के हम साधना करेंगे वह कामना की पूर्ति होगी, और जब बिना कामना के हम साधना करेंगे तो ये साधना हमारे अंतःकरण को पवित्र करेगी। जैसे भगवान की भक्ति हम लोग करते हैं, साधन है, तो भगवान की भक्ति से हम जो जो चाहेंगे, धन चाहेंगे, रक्षा चाहेंगे, आर्त ही है ही भक्त अर्थार्थी हैं, अर्थ चाहेंगे, धन चाहेंगे भगवान से, तो भगवान वो दे देंगे। जो आप भगवान से चाहोगे, आराधना जिसलिए की गई है, भगवान दे देंगे उसको। और यदि हम किसी कामना के बगैर प्रेम करेंगे, कामना के बगैर भक्ति करेंगे, कामना के बगैर सेवा करेंगे, तो महाराज वो अंतःकरण को पवित्र कर देंगे। वही सेवा हमको तो महाराज कई बार मैं चिंतन करता हूं तो ये परमात्मा की हेतु की कृपा है, हमको तो पता भी नहीं था साधु किसको कहते हैं, कैसे साधुओं की सेवा में आ गया, और सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा ये भी कभी कामना नहीं थी। सेवा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको कभी नहीं लगा कि सेवाई स्वामी जी की सेवा करेंगे तो कुछ मिलेगा, या मान जी महाराज की सेवा में थे तो हमको कभी नहीं लगा कि हमको कुछ सेवा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। और महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि कामनावान जितनी आराधनाएं होती हैं, जितनी भी कामनावान आराधनाएं होंगी, जो भी सकाम आराधना करेंगे हम आप, तो सौदा हम लोग घटिया कर रहे हैं। आप कहोगे क्यों, निष्काम साधना में सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतःकरण पवित्र होगा, और पवित्र अंतःकरण में परमात्मा का तो दीदार होगा ही होगा। इसलिए जितना हो सके जब तप आराधन साधन वो भगवत कामना भगवत प्रीत्यर्थ ही होना चाहिए, ये भगवत संबंधी कामना कामना नहीं है। जो भगवत प्रीत्यर्थ कामना है कि भगवान से प्रेम हो, इस कामना को कामना नहीं मानते हैं। जगत संबंधी कामना कामना होती है, भगवत संबंधी कामना कामना नहीं होती है। आप कभी इसको सकाम मत मानिएगा कि ये सकाम कामना है, क्योंकि वो कामना है ही नहीं। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने वेणु गीत के प्रारंभ की भूमिका में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि भगवान की वेणु सुन करके गोपांगनाओं के चित्त में काम का संचार हो गया। वेणु सुन करके ना सकन स्वर वेगेन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्मर वेग के कारण वह कुछ बोल न सकी। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने और हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज ने दोनों इसका खुलासा किया है कि भगवान का नाम लेकर के काम मिटना चाहिए,
अरे भगवान का चिंतन करके काम मिटना चाहिए, मिटता ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री केशी पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। तुरंत में निवेदन कर रहा था कि जिन भगवान का दर्शन करके काम मिट जाता है, जिन भगवान का नाम लेकर काम मिट जाता है, उन कृष्ण को देख करके गोपांगनाओं के चित्त में काम कहां से आएगा। तुलसी कबहु रही सके रवि रजनी एक ठाम, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तो ये जो भगवत संबंधी कामना है, वहां पर लिखा गोपैव काम रामाणाम। ये गोपियों में जो काम दिख रहा है, ये काम काम नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम है। अभी हमारे गुरुजन प्रमाणित कर रहे हैं, वैसे ही भगवत संबंधी जो कामना है वह कामना कामना नहीं है, वह निष्कामता ही है। तो नारायणिस ऋषि ने बंदेव की आज्ञा मान करके महाराज ने कदंब के वृक्ष पर अपनी झोपड़ी बना करके आराधना प्रारंभ की, और आराधना का फल स्वरूप महाराज यह हुआ, जैसे जैसे आराधना बढ़ती गई, जैसे जैसे साधना बढ़ती गई, तो इसका चित्त पवित्र होता गया। जो इसका चित्त पवित्र होता गया तो पवित्र ही चित्त में चिद की अनुभूति हो जाती है। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ है तब तक बोध कहां होगा। और महाराज इनका अंतःकरण जैसे पवित्र होता गया और ये विचार में भी महाराज लग गए। यहां तो ऐसा वर्णन किया गया है कि इनको कर्म करने पर बहुत आसक्ति थी, महात्मा को इतनी आसक्ति थी। ये कदंब दासुर नाम से प्रसिद्ध हुए बाद में, जैसे नाम दासुर था इनका, किंतु कदंब में रहने के कारण कदंब दासुर इनका नाम पड़ गया था। तो महाराज ये इतने यज्ञ करने में आसक्त थे, कर्मकांड के प्रति इनकी इतनी अभिरुचि थी, अभिरुचि होने के कारण इन्होंने कदंब के वृक्ष पर बैठ करके बड़े बड़े यज्ञ किए। कदंब के वृक्ष पर बैठ करके तत्रासौ दस वर्षाणी मनसैवाप्य जत्सुरान, कौन कौन से यज्ञ किए कि महाराज गोमेद यज्ञ किया वहां बैठ करके इन्होंने, और नरमेद यज्ञ किया और अश्वमेद यज्ञ किया। अब ये तीनों यज्ञ ऐसे हैं कि सामान्य नहीं, अश्वमेध यज्ञ तो राजा को करने का अधिकार है। आजकल भी कई लोगों ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया है, जिनको महाराज यज्ञ करने का अधिकार नहीं वो भी आजकल यज्ञ खूब करते। अभी महात्मा से मैंने भगवतपाद शंकराचार्य भगवान से पूछा, वो यज्ञ में बैठे थे, तो हम लोगों को तो महाराज ये संस्कार है कि अब संन्यास लेने के बाद अपने आप रोटी बनाना, अपने आप चूल्हा जलाना, अग्नि का स्पर्श नहीं करना। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज ये हम लोगों को यज्ञ करने का अधिकार है क्या। तो मेरे धीरे से कान में बोले, कहा कि महात्मा करने अरने का अधिकार तो नहीं है, इससे माल बहुत मिलता है इसलिए करता हूं, इससे माल बहुत मिलता है इसलिए करता हूं। मेरे मन में आया यही बचा है नर। अब जरा विचार कीजिए, कई बार बड़ा चिंतन करते हैं तो विलक्षण लगता है, इन्होंने यज्ञ तो किए हैं तत्रासौ दस वर्षाणी, किंतु यज्ञ करने की जो विधा है, अब यज्ञ अब ये वृक्ष से नीचे उतरते नहीं श्रीमान जी, तो वृक्ष के ऊपर तो यज्ञ कुंड बन नहीं सकता है, वहां होता ब्रह्मा उद्गाता ये सब बैठ करके यज्ञ कर भी नहीं सकते हैं। इन्होंने महाराज जो ऐसा यज्ञ किया, क्या कहें, वो यज्ञ इनको इन्होंने मन के माध्यम से किया। जैसे मानसी पूजा होती है वैसे मन के माध्यम से यज्ञ किया है इन्होंने। कालेना अमलाम याते वितते तस्य चेतसी,
महाराज इन्होंने वहां सारे के सारे मानसिक यज्ञ किए हैं, जो जो यज्ञ और मानसिक यज्ञ तो और जल्दी सफल होता है। और कलयुग में तो महाराज बाबा ने तुम्हारे और बड़ी विलक्षण बात कह दी, कलयुग में तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग की विशेषता और बढ़िया है। कलयुग में तो आप आंख बंद करके 10,000 महात्माओं को रोज खिलाओ, क्या दिक्कत, चकाचक दक्षिणा दो, और जो बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हो सकते वो खिलाओ। अगर दक्षिणा में गड़बड़ी भी हो जाएगी तो महात्मा नाराज हो जाएंगे, तो यदि आपसे कुछ अपराध बन गया तो वो लगेगा नहीं, केवल पुण्य पुण्य मिलेगा, कितना बढ़िया मामला है, अपराध नहीं लगेगा। यहां तो विधि गड़बड़ा जाए तो अपराध लग जाए, कि तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अथवा हमारा दूसरा फिर रोग है और भी है कि मन से यदि पाप कोई करते हैं, मानो किसी के महाराज बारे में यदि गलत संकल्प आ गया तो उस गलत संकल्प से आपको पाप नहीं लगेगा, क्रिया में जब आएगा तब पाप लगेगा, किंतु पुण्य की चर्चा जितनी मन में आते ही आपके जीवन में उसका लाभ मिल जाएगा। भगवान ने महाराज सोचा होगा कि कलयुग के प्राणियों के मन बड़े कमजोर होंगे, ये पुण्य के काम तो कम करेगा, पाप के काम ज्यादा करेगा, तो ये ठाकुर जी की करुणा है, इसलिए एक तरफ का स्विच बंद कर दिया कि उधर का रास्ता बंद, एक ही वाला रास्ता चलते जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसने मानसिक यज्ञ किया और मानसिक यज्ञ के कारण महाराज इसका अंतकरण पवित्र हो गया, और पवित्र अंतकरण में महाराज ये ज्ञान रूपी प्रासाद प्रकट हो गया, और ज्ञान रूपी प्रासाद प्रकट हुआ तो जीवन का विषाद चला गया। अगर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रासाद आता है तभी तो विषाद जाता है, बिना। अच्छा नारायण एक और बात भी है, विषाद के बाद ही प्रासाद प्रकट होता है, विषाद के बाद ही। देखो गीता का जो पहला अध्याय है वो विषाद ही का तो है, उसके बाद में दूसरे अध्याय में भगवान का प्रसाद मिला वाणी का। तो इनके जीवन में पहले महाराज बहुत दुख है, यज्ञ आदि करने के कारण इनका अंतकरण पवित्र हो गया, और पवित्र अंतकरण के कारण अब तो महाराज वहां आनंद से रहते हैं, कोई शोक नहीं है, किसी का भय नहीं है, किसी का महाराज कोई उद्वेग नहीं है, किंतु रहने का अभ्यास वहीं पड़ गया है। देखो भाई कई बार होता है कि जहां जैसा हमारा अभ्यास पड़ जाता है ना, जीने का अभ्यास, तो बोध के बाद भी क्रिया उसी प्रकार की होती रहती है, क्योंकि जीवन अभ्यास है ना उसका, क्रिया का वैसे अभ्यास पड़ गया है। एक दिन महाराज इनके पास एक वन देवी आ गई, उस वन देवी का भी यहां सौंदर्य वर्णन किया गया है, आप लोग मूल में पढ़ लीजिएगा। ये देवी जब इनके सामने आकर प्रकट हुई और उसने अपना दुख सुनाया, इस वन देवी ने कहा कि आज मैं नंदन वन में गई थी, वहां नंदन वन में चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन बहुत बड़ा महोत्सव होता है और संगीत का महाराज वहां समारोह होता है, मैं उस समारोह में गई थी और उस समारोह में मेरे जाने के बाद वहां की देवियों ने हमारी बहुत हंसी उड़ाई, और हंसी उड़ा करके उन देवियों ने कहा कि तुम इस सभा में आने लायक नहीं हो। क्यों, इस सभा में हम क्यों आने लायक नहीं है? बोले तुम्हारे पुत्र नहीं है। अब महाराज हमारे पुत्र नहीं, मैं क्या करूं, देही में भगवन पुत्रम, आप कृपा करके हमको पुत्र दीजिए, और यदि आप हमको पुत्र नहीं देंगे तो महाराज हम अग्नि में जलाकर शरीर को राख कर देंगे। आपको बताएं लोग महात्माओं को भी ब्लैकमेल करते हैं, उनके अंतकरण की कमजोरी का लाभ उठा ले, जानते हैं ये करुणा से भरे हुए हैं। जो अग्निदाह की चर्चा करूंगी तो अपने आप कहने के भाई ठीक है ले लो। इन्होंने महाराज कहा कि जाओ, तुमने हमसे पुत्र मांगा है, अयम सा भगवन महाराज, अयम सा भगवन भक्त्या कुमारा पुत्र आवयो हो, कृतो मया संप्रमाणम कल्याणम किल कोविदाह, जाओ
तुमने हमसे जो पुत्र की प्राप्ति की कामना की है इससे तुमको पुत्र तो उत्पन्न होगा। किंतु महाराज यहां तो वो श्लोक नहीं मिला। हमारे जिन पंडित जी ने 60 साल तक योग वाशिष्ठ का चिंतन किया उनका आज लेख पढ़ रहा था मैं आत्रेय जी का, उन्होंने तो लिखा है कि उन्होंने कहा कि देवी तुमने हमको धमकाया भयभीत किया इसलिए बेटा तुम्हारा मूर्ख होगा। बेटा तो होगा किंतु बेटा मूर्ख होगा। वो मैं श्लोक यहां ढूंढता रहा नहीं मिला मुझे वो श्लोक मूल में, प्रभो केवल मेतेन ज्ञानम नादिगतम शुभम एन संसार चक्रेस्मिन पुनः परिपीडते ज्ञानम तुमेव अस्य प्रभो कृपयोपादि साधुना को नाम महाराज को ही नाम कुले जातम पुत्रम मूर्खेण योजयेत। हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज सुनाते हैं कि वो मुनि पुंगव ने हंस करके ये कदम के वृक्ष पर बैठे थे, वहीं से एक कदम का पुष्प उठाया, वृक्ष पुष्प लिया और पुष्प ले जा कहा कि इसको ले जाओ एक वर्ष के अंदर तुमको पुत्र होगा। और उस देवी को एक वर्ष के अंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब उस देवी को एक वर्ष के अंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, धन्य है मां, उस बनदेवी को भी मैं वंदन करता हूं। बनदेवी ने विचार किया कि मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ये विद्या यदि कोई है या विद्या सब विमुक्त है, विद्या तो वही विद्या है जो मुक्ति की ओर पहुंचा दे। मैं भी एक दिन बैठकर चिंतन कर रहा था आज के परिपेक्ष में, पद्म पुराण में भागवत में एक श्लोक कई जगह मिलता है, जब ये कलयुग का वर्णन करते हैं तो मंदाह सुमंद मतयो हो मंद भाग्याह हृतद्रुताह ह्युतद्रुताह। कलयुग में बालक जो उत्पन्न होंगे आलसी उत्पन्न होंगे और बुद्धिशाली नहीं, मंदाह सुमंद मतयो हो, बुद्धि भी उनकी कमजोर होगी। तो मैं कई विचार कर रहा था कि कलयुग क्या वो वाला कलयुग नहीं आया क्या, क्योंकि आज के समय तो बच्चों की इतनी बुद्धि तेज है कि पहले नहीं थी। बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे पास उनके उत्तर नहीं सूझते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। तो ये पुराणकार तो कहते हैं सुमंद मतयाह, बात क्या है, बात यह है नारायण हमारे गुरुजन उस मति को कमजोर मति ही मानते हैं जो नष्ट होने वाले पदार्थों को एकत्रित करने में लगी रहे और परमात्मा की ओर न बढ़े। याद रखिएगा हमने संसार का बहुत ज्ञान, अच्छा आप स्वप्न जगत के बहुत पदार्थों का नाम याद कर लो और बहुत से स्थानों का नाम याद कर लो और वहां की बहुत सामग्री का नाम याद कर लो, आप जरा विचार कीजिएगा कभी जागने के बाद वो आपकी वहां की पीएचडी काम आएगी। कितने भी विषय पर पीएचडी कोई कर ले जागने के बाद वो पीएचडी काम नहीं आएगी। एक हमारे महात्मा है उबड़े वैष्णव जन, अरे बोले कि हम लोग क्या पता नहीं पहले कॉलेज की पढ़ाई करके फिर आए, बोले कि इतने दिनों के बाद हमको गुरुजनों की भेद हुई तो इतने साल हम काहे को बर्बाद करते, इतने साल हम काहे को वहां बर्बाद करते, वेद पढ़ने में लगाते और उपनिषद ज्ञान में लगाते, इन ग्रंथों को भागवत पढ़ने में लगाते, व्याकरण न्याय पढ़ने में लगाते, हमारा जीवन उतना व्यर्थ चला गया। सचमुच में ये बात यदि हमारे माता पिता के ध्यान में आ जाए तो काम बन जाए, हमारे माता पिता के ध्यान में आ जाए तो कम से कम बच्चों को संस्कृत पढ़ाना तो सिखा।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बंदे भी तो बिल्कुल मदालसा के समान है। इस बंदेवी को हम वंदन करते हैं। बंदेवी ने अपने पुत्र को 10 वर्ष तक तो अपने पास रखा और जगत की विद्याओं का भी इसको बोध कराया, किंतु बाद में महाराज इस ऋषि के पास लेकर के कहती हैं कि ज्ञानम तुम्हें महाराज तुम्हें वावस्तव विभो, आप कृपा करके इसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। और कौन ऐसा कुलीन व्यक्ति होगा जो अपने कुल के बालक को अनपढ़ गमार देखना चाहता हो, मूर्ख देखना चाहता हो। आप इस बालक को योग्य बनाइए और इसको मारा तत्व विषय का वर्णन कीजिए जिससे इसकी अविद्या नष्ट हो जाए और अविद्या नष्ट हो करके इसको बोध हो जाए। महाराज ये कहकर के जो वह निवेदित करने लगी तो ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हारी बात मैं स्वीकार करता हूं, तुम इसको छोड़ जाओ यहां। और महाराज वो छोड़ करके देवी चली गई। उस बालक को, बंदेवी के बालक को इस महात्मा ने उपदेश देना प्रारंभ किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने यहां एक बड़ी बात सुंदर सुनाई है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये उपदेश मैंने भी अपने कानों से सुना है। आपने कैसे कानों से सुना? बोले बात यह है, मैं आकाश मार्ग से गमन कर रहा था और आकाश मार्ग से गमन कर कदाचितस्य मार्गेण तेन कैलाश वाशिनीम, कैलाश से निकलने वाली जो मां भागीरथी गंगा है मंदाकिनी, मैं स्नान करने के लिए जा रहा था व्योम मार्ग से। और जब व्योम मार्ग से मैं निकल करके जा रहा था, निर्गतः नभसः सप्तमरज, उस सप्तमुनि के मंडलों से जो गुजरता हुआ जब जा रहा था, तो रात्रौ महाराज प्राप्तोस्मिन सुमते, जब मैंने देखा रात्रि प्राप्त हो गई और वहां से निकला तो वो साम महाराज दासुर नाम के महात्मा उस बालक को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे। और जब उस ब्रह्म विद्या का वह उपदेश कर रहे थे तो मैंने वहां महाराज सुन पुत्र महाबुद्धे, इन्होंने उसको समझाना प्रारंभ किया कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सुनो। और वो महाराज समझाने लगे जगत की अनित्यता का वर्णन पहले उन्होंने किया। तो जो जो महाराज इन्होंने सुना है तो कहा, जो वो महात्मा उनको सुना रहे थे बंदेवी के पुत्र को, अपने कुमार को, वो जो जो महाराज उन्होंने उपदेश दिया मैंने सारा का सारा उपदेश सुना है। और हे राम जी, वही उपदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूं जो हमने उनके सामने, उन्होंने जो अपने पुत्र को सुनाया। अभिप्राय क्या है महाराज इसका? कि जैसे वो पुत्र स्नेह से भरे हुए थे, जब व्यक्ति स्नेह से भरा होता है तो अपने हृदय का सब ज्ञान उड़ेल देता है। वो सोचता है कि अपने कोई ऐसी गुप्त बात न रहे जो हम इनको न बता दें, अपनी सभी विद्याओं को प्रकट कर देता है। राम जी जैसे वो महात्मा, उन्होंने सारे ज्ञान को महाराज उनके सामने रख दिया था, वैसे मैं भी तुम्हारे सामने सारे ज्ञान को रख देता हूं। और इन्होंने बताया, यथा कुशूले मार्जारो भास्त्रायाम भुजगो यथा मुक्ता फलम तथा वेणाम अहंकार तथा तनु। इन्होंने कहा कि जैसे, अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे, हमारे उत्तर भारत के लोग समझ जाएंगे, मैं समझा तो दूंगा इसको उदाहरण के लिए। कहते हैं यथा कुशूले, ये कुशूल शब्द का जो अर्थ किया है टीकाकारों ने, वो शब्द किया अर्थ किया कुठिला। अब ये कुठिला आप लोग नहीं जानोगे, कुठिला क्या होता है? आजकल तो ये सिस्टम सब समाप्त हो गए, ये उत्तर भारत में हम लोगों के यहां होता था। हमारी माताएं जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है ना, वैसे हमारी माताएं तालाब से मिट्टी ला करके, उसमें गोबर मिला करके, उसमें भूसा मिला करके, गोबर मिला दें, भूसा मिला दें,
और उस मिट्टी से एक बड़ा महाराज पात्र बना दे, ये घड़ा जैसा बड़ा पात्र जिसमें घर में गेहूं भर दिए जाते हैं, माताएं पहले उसी में गेहूं भर दें, वर्षा ऋतु में खराब ना हो। घर में भले पानी टपकने लगे किंतु कुटिला खराब नहीं होगा, कुटिला में रखा हुआ वो अनाज खराब नहीं होगा। तो महाराज जब तक उसमें क्या होता है, कुटिले में हम लोगों ने देखा है, तो वर्षा ऋतु के बाद अनाज निकाल लेते, उसके नीचे एक छेद रहता है, तो अनाज निकल जाने के बाद वो खाली पड़ा है, बड़ा है, तो बिल्ली अपना रहने का स्थान बना लेती है। बिल्ली घर में रहने का स्थान वो कुटले के अंदर बना लिया। अब हमारे वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में कथा हो रही ना ये, तो अयोध्या में कुटिला जरूर बनता होगा क्योंकि वहां का महाराज प्रयोग है। तो इसलिए ये बात कह रहे हैं, यथा कोशुले मार जा रो, जैसे महाराज उस कुटले में बिल्ली जाकर के बैठ जाती है, बिल्ली अपना निवास स्थान बना लेती है। और दूसरा महाराज उदाहरण दिया है भाष्म महाराज, वस्त्रायाम भुजगो यथा, जैसे हमारे लुहार लोग होते हैं वो धौकनी जो उनकी रहती है बस आग जलाने वाली, तो जब तक वह काम करते तब तक ठीक है, अगर खाली पड़ी होती है तो उसमें कई बार आकर सर्प बैठ जाते हैं। और जैसे बांस में मोती उत्पन्न हो जाते हैं, बांस में हमारे मुक्ता फलम यथा वेणु, जैसे मुक्ता फल महाराज वेणु में रहते हैं, अहंकारस तथा तनु, वैसे ही महाराज इस शरीर में अहंकार रहता है। कैसा तीन उदाहरण दे दिए, जैसे कुठले में बिल्ली निवास कर लेती है। मैं इस श्लोक का बहुत चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा कि हम तो लोग कुठिला जानते इसलिए समझ में आ गया, तो कुठिला खाली होता है तभी तो उसमें बिल्ली रहती है, और कुठिले में यदि अनाज भरा हो तो फिर बिल्ली कहां से रहेगी। महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, और उस भस्त्रिका में भी यदि प्रयोग चलता रहे तो सर्प कहां से बैठेगा, कभी नहीं रह सकता है अगर प्रयोग चलता रहे। वैसे इस बुद्धि में यदि आप विचार कीजिए, भगवत संबंधी विचार चलता रहे, भगवत चिंतन चलता रहे, तो यह शरीर का अहंकार रूपी सर्प कभी नहीं बैठेगा। यह शरीर का अहंकार महाराज जो ये सर्प ही तो है जो आकर बैठ गया है, बिल्ली के समान, बिल्ली के समान अंग महाराज। अहंकार की उपमा भी गजब दिया है इन्होंने वशिष्ठ जी महाराज, है यह हमारा अहंकार एक तो मारजार के समान है, और दूसरा महाराज ये सर्प के समान है, और तीसरा मुक्ता फल के समान भी है। तीन उदाहरण दे दिए हैं, मारजार बिल्ली है जो महाराज सबको खा जाने वाली है किंतु अपने बच्चों को नहीं खा, बच्चों को महाराज नहीं खाती, चोट नहीं लगती उसको कहीं से कहीं ले जाए, यह अहंकार इस व्यक्ति दूसरों को तो दुख देता ही है किंतु अपना बड़ा ध्यान रखता है। अहंकारी व्यक्ति जितना अपने शरीर का ध्यान रखता है किसी का नहीं रखता है, आप उसको अनुमान कीजिएगा। और इस सर्प की दशा भी महाराज ये भुजग है, तो कहा उसी प्रकार से इस शरीर में अहंकार रहता है, ये महात्मा समझा रहे हैं। और ये जो सहन शरीर का अहंकार है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, जब तक इसमें ब्रह्मात्मय के बोध नहीं होगा तब तक ये अहंकार निकलने वाला नहीं है। ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे रटने से काम बनने वाला नहीं। हम दिन भर रटें कि हम शरीर नहीं है, किंतु यदि शरीर को कोई गाली देता है तो तुरंत फिर हम भी गाली देने लगते हैं। जब तक इसका बोध नहीं होगा, इन्होंने महाराज कहा कि इस अहंकार, शरीर के अहंकार को मिटाने के लिए, वासना को मिटाने के लिए संकल्प विकल्प भी इसको बल देते हैं। हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, तमो रूपो ही संकल्पो नित्यम प्राकृत चेष्टता पराम कृपणास्ते में प्रयाति क्रमिकीटताम। ये हमारा जो संकल्प है यह उत्तम रूप है, प्राकृतिक चेष्टा स्वाभाविक प्रवृत्ति से महाराज ये ऐसा महाराज ये है तम रूप अहंकार संकल्प कि हमको नरक आदि तक ले जाता है, कीड़े आदि भी बना देता है। हमारा संकल्प ही कीड़े आदि बना देता है, इसलिए हमारा सजग होकर सावधान होकर कि महाराज यह सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि संकल्प भी कैसे निर्मूल हो जाए।
और हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं, संकल्पते यथा तत्यात तथा भवति क्षणात मां किंचिदपि तत्वज्ञ संकल्पय कदाचन। जिस जिस का जैसा संकल्प किया जाता है वह क्षण भर में वैसा ही हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञ राम को कह रहे, हे तत्वज्ञ राम, तुम किसी वस्तु का कोई संकल्प करो ही मत, संकल्पों का परित्याग कर दो। और महाराज इन्होंने वशिष्ठ जी महाराज ने और कहा, इस प्रकार से वह ऋषि अपने बालक को बड़े प्रेम से ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं और वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके वो बालक महाराज वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं वह तो पावन पवित्र हो ही गया। किंतु जब उस ऋषि को पता चला कि गुप्त रूप से मैं भी कथा यहां सुन रहा हूं, तो उन्होंने तुरंत हमारा स्वागत किया। देखो महाराज, ये परंपरा है। कई बार क्या होता है, लोग समझते हैं हमारे एक महात्मा है, वो कहते हैं कि तुम सबकी कथा कैसे सुन लेते हो, मैं तो कहीं जाते ही नहीं हूं कथा सुनने। क्यों? बोले यदि हम कथा सुनने जाएंगे तो हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान होगा तो उसकी कथा सुनेंगे, और हमसे बड़ा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। तो महाराज ये जो अभिमान है ये निगुरा लोगों के जीवन में होगा, नहीं तो जिनके जीवन में गुरु परंपरा है। हमारे महाराज जी तो एक दिन सुना रहे थे कि जैसे महाराज श्री जब आते थे मंच में तो लाखों लोग चाहने वाले उनको, और महाराज श्री मंच में जो चढ़ते थे सब लोग गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय सब लोग बोलते थे। तो महाराज श्री बैठ करके महाराज जी बोलते थे गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो जो अल्पज्ञ होंगे ना समझ, महाराज उन्होंने पूछ दिया कभी कि महाराज जी हम तो आपकी जय जयकार बोलते, आप भी अपनी जय जयकार बोलते हो, आप गुरुदेव भगवान की जय। अरे बोले मैं कोई निगुरा थोड़ी हूं, तुम अपने गुरुजी की जय जयकार बोलते हो तो हम अपने गुरुजी की जय जयकार बोलते हैं, हम अपने गुरुजी की जय जयकार बोलते हैं। और सच में महाराज ये विद्या सच में विनम्र व्यक्ति के ही जीवन में प्रकट होगी। गीता में तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरुजनों के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वो महाराज शाब्दिक बोध भले उनको हो जाए, बुद्धि के आधार पर शब्द तो रटे जा सकते हैं, किंतु जो बोध का आनंद है वो महाराज उन्हीं को मिलेगा जिनके जीवन में श्रद्धा से भरा हुआ जीवन है, गुरुजनों के प्रति आदर से भरा हुआ जीवन है। हमारे एक महात्मा भी हमको एक दिन बोले कि आप अमुक को ऐसा कह दो, इस अमुक चीज बिगड़ रही है, आप कह दोगे तो बिगड़ेगी नहीं। तो हमने हाथ जोड़कर हमने कहा ये त्रिलोकी बिगड़ जाए। हम लोग जब इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इसकी सत्ता नहीं है तो ये बस वस्तु बिगड़ जाने के बाद हमारे चित्त में क्या बिगड़ेगा, दोबारा बन जाएंगे, बनना होगा तो बन जाएगी, न बनना होगा तो बन हमारा। किंतु हम गुरुजनों का चित्त नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम गुरुजनों का चित्त बिगाड़ सके। सच में देखो ध्यान देने लायक बात यही है, यहां पर जिस समय महाराज उनको पता चला कि सभा में जहां अपने बच्चे को मैं समझा रहा था, मारा नासौ तौ चा सर्व भ्रांति पुत्र पारित, मारा ये समझा रहे थे कि जो है ही नहीं उसका दर्शन क्या होगा, जो दर्शन हो रहा है उसकी सत्ता नहीं है, असते सत्यवत दृष्टे भावना मांस की दृश्यो, ये समझा रहे थे बोध की चर्चा, तब तक इनको पता चल गया कि यहां श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। और जब पता चला कि इस सभा में श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं तो तुरंत महाराज खड़े होकर के इन्होंने श्री वशिष्ठ जी महाराज को साष्टांग वंदन किया है। और सच में ये नियम है, बोध होने के बाद भी तीन चीजों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। एक जगह तो गुरु गुरु तो सदा गुरु ही रहेंगे, ये नहीं कि हमको बोध हो गया तब गुरु जो तत्व सो हमें भाव। महाराज हमको तो अध्यात्म रामायण का वह श्लोक बहुत अच्छा लगता है, श्री वैदेही ने श्री हनुमंत लाल जी महाराज से उनका परिचय पूछा, आप पढ़िएगा तो बड़ा भाव गर्भित हनुमान जी महाराज का वह श्लोक कि आपका परिचय क्या है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं देह दृष्ट्वा तो दासो हम, देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, भक्ति की दृष्टि से तो आपका अंश हूं,
तो दंश कहा तुम्हारा अंश हूं और ज्ञान की दृष्टि से जो तुम हो सो मैं हूं, जो तुम्हारा स्वरूप है वो हमारा स्वरूप है। ये ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाएगा तो एक ही है, किंतु यदि महाराज दूसरी दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि से विचार के देह दृष्टा तो दासो हम, देह की दृष्टि से सदा हम दास ही रहेंगे, गुरुजनों के हम सेवक ही रहेंगे। देह दृष्टि से हम महाराज देह दृष्टि से हम बदलने वाले नहीं कि जो गुरु जी है सो हम है, और गुरुजन ये महाराज देह भी तब भी ये सजगता बनी रहनी चाहिए। गुरुजनों का तो सहज स्वभाव है, वो तो आपको बड़ाई बराबर देंगे ही देंगे, किंतु यदि हम इसमें अनुशासन नहीं रख पाए तो पतन के 16 अंश चांस हैं, क्योंकि गुरुजन तो मैंने साथ में बैठा लेंगे, साथ में खिला लेंगे, साथ में रख लेंगे, और हमारे चित्त में यदि आ गया कि हम में इनमें क्या फर्क है, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में रहते हैं, और आदर का भाव चला गया तो महाराज गए काम से, साधना हमारी फिर तो भ्रष्ट के अलावा कुछ नहीं होंगे। तो गुरुजनों के प्रति आदर मैं देख रहा था, इतने तत्वज्ञ की महाराज इतनी वर्ष साधना करने के बाद, इतने बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद, मानसिक यज्ञ इन्होंने 10 साल तक अनवरत बिना सोए, जिस महापुरुष ने यज्ञ किए हों उसके जीवन में तो अभिमान होना चाहिए कि हमसे बड़ा कौन है, कि तो वहां ये अभिमान का अभाव ही चला गया, शरीर के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है। इन्होंने महाराज जब इनको पता चला कि हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज यहां पर हैं, तो उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करके सेवा करके महाराज चरण आदि धो करके जो शास्त्रीय विधा है सब विधा को पूरा करके फिर उनके चरणों में बैठते हैं और कहते हैं आपने कैसी कृपा की, और कृपा करके उन महात्माओं के बीच में भी हमारा चर्चा होती है। हमारे महात्मा ये कहते थे स्त्री बिटा नाम इव साधु वार्ता, जब कोई महाराज कामी मिलता है तो कामनी की चर्चा करता है, व्यापारी मिलता है तो पूछेगा के भाव है, वो तो यही चर्चा करेगा, ज्ञानी मिलेगा तो ज्ञान की चर्चा तो होगी, युक्ति अनुभूति श्रुति। अभी एक महात्मा हमको मिल गए, नर्मदा के किनारे थे वैष्णव, और अपने महाराज निम्बार्क संप्रदाय के थे, किंतु वो जानते थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे, उनके कई ग्रंथ हमारे पुस्तकालय में उन्होंने बताया, तो हम बैठे तो उन्होंने चर्चा नहीं की यहां क्यों आए हो, कहां आए हो, कैसे आए हो। उन्होंने कहा कि आपके यहां किस ग्रंथ में, प्रश्न किया हमसे, किस ग्रंथ में भक्ति को भी कर्म ही माना गया है, किस ग्रंथ में भक्ति को भी कर्म ही माना गया है, कर्म ज्ञान दो ही सीढ़ियां बनी गई, तो भक्ति को किस में माना गया है, तो हमको तो ध्यान ही नहीं था ये। तो महात्मा ने फिर बताना प्रारंभ किया, और महाराज ऐसी ऐसी रहस्य की बातें बताना प्रारंभ किया उन्होंने, क्योंकि विद्वान थे, काशी में रह करके पढ़े, भले वो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है, किंतु इन्होंने ये शास्त्र का अध्ययन किया था। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे महाराज जी के एक शिष्य थे स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, महाराज आपको क्या कहे, वो श्री भाष्य से ऐसे पढ़ाते थे, उन्होंने तो महाराज शंकराचार्य भगवान के कई ग्रंथों पर टिप्पणियां की थी, महाराज जी के शिष्य थे, फिर वामदेव जी महाराज ने उनका खंडन भी किया था जो जो उन्होंने लिखा था श्री भाष्य के आधार पर। तो अब उनको श्रीभाष से पूरा था, हमारे कितने वैष्णव जन रामानुज संप्रदाय के संत, रामानंद संप्रदाय के संत श्रीभाष पढ़ने के लिए जाते थे उनके पास, ऋषिकेश में वो महात्मा रहते थे, महाराज जी से दीक्षा ली थी उन्होंने, लाल कपड़ा ही पहनते थे, किंतु श्रीभाष पर उनकी बड़ी निष्ठा थी, वो शंकर भाष्य, अच्छा श्रीभाष के आधार पर हुआ, जिन जिन शंकर शंकराचार्य जी महाराज के सिद्धांतों पर उन्होंने अपना मंतव्य रखा था, हमने वो ग्रंथ पढ़ा है, तो यदि उन्होंने पढ़ा ना होता तो उस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते थे। अरे भाई पूर्व पक्ष का पता होगा तभी तो आप उत्तर पक्ष स्थापित कर पाओगे, बिना पूर्व पक्ष के पता हुए उत्तर पक्ष स्थापित नहीं होगा। तो हमने देखा कि महाराज उन्होंने कोई चर्चा दूसरी नहीं की, शास्त्र चर्चा करना प्रारंभ किया, तो हमने कहा ठीक, सज्जन लोग कहते हैं संतों के साथ में बैठकर यही चर्चा होती है,
स्त्री बिटा नाम इव साधु वार्ता। अब दो महापुरुष यदि इकट्ठे हुए हैं तो कोई व्यापार की चर्चा तो करेंगे नहीं, कोई इधर उधर की चर्चा तो करेंगे नहीं महाराज, वो तो भगवत चर्चा होगी। उन दोनों महात्माओं के बीच में बैठकर श्री वशिष्ठ जी महाराज के और वह ऋषि पुत्र के दोनों के बीच में बैठ करके महाराज जो सिद्धांतिक चर्चा हुई है, वशिष्ठ जी महाराज उस सिद्धांत का अनुरूपण करते हैं, अद्वैत सिद्धांत का। कतिस्यामी ते राम एन ज्ञास्यसि तत्त्वतः, वही सिद्धांत जो हम लोग वहां चिंतन कर रहे थे। सिद्धांत काल एवास्य संप्रश्नोत्तरम स्थिरम कथिष्यामि ते राम एन ज्ञास्यसि तत्त्वतः। जिन महाराज प्रसंगों को जानकर आप तत्वबोध की ओर बढ़ जाएंगे, इस प्रकार से महाराज इन्होंने यहाँ चर्चा सुनाई है। अब महाराज यहाँ से एक नया प्रसंग प्रारंभ होता है जो बहुत अनोखा है। इसमें हमारे श्री जो चर्चा हुई है विदेहराज जी महाराज की, विदेहराज श्री जनक जी महाराज को कैसे बोध हुआ है और इनको कैसे बोध की ओर इनकी चित्तवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि तो राज करते थे और श्री जनक जी महाराज का कोई राज्य सामान्य नहीं है। श्री विदेह जी का इतना वैभव संपन्न राज, तो इनके चित्त में ये कैसे महाराज इधर बढ़ने की इच्छा हुई, उसकी चर्चा अब हम 5 मिनट के बाद करेंगे। आप सब महाराज एक भजन का आनंद ले लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। We'll be right back.
सुने से मन का मिट जाता अंधियारा। जगमग जगमग हो जाता है मन का कोना सारा। जगमग जगमग हो जाता है मन का कोना सारा। सिया राम के जप बिन सबका, सिया राम के जप बिन सबका रहता है मन रीता। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दो अक्षर का नाम राम का, दो अक्षर की सीता। दो अक्षर का नाम राम का, दो अक्षर की सीता। सीता राम जपे बिन तेरा, सीता राम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम का दो अक्षर की सीता। सीता राम
सीता बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार को जिज्ञासु राघव को निमित्त बना करके हम सबके पावन पवित्र हेतु के लिए कल्याण के लिए ये योग वाशिष्ठ का पावन पवित्र ग्रंथ सुना रहे हैं। जनक जी महाराज को कैसे वैराग्य हुआ और कैसे उन्होंने आत्मविद्या प्राप्त की है, इस उपाख्यान के पहले हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने एक और सुंदर उपाख्यान सुनाया है जो बहुत कम शब्दों में है किंतु बड़ा सार गर्भित है। वह मैं आपको पहले सुना देना चाहता हूं क्योंकि इसमें कई गीताएं हैं। जनक गीता सुनने को मिलेगी। वैसे पहले जो मैं गीता सुनाने जा रहा हूं जिस गीता का नाम है कच गीता, किंतु महाराज ये बड़ी बेजोड़ गीता है। ये कच की जो गीता है हमको तो लगता है वो जो 700 श्लोकों में गुनगुनाई गीता है उसका सार सर्वस्व इन्होंने कच गीता में ले लिया है। अभी हम आपको सुनाते हैं। हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते राघो श्रुण राघो पूर्वजाः, ये आपके पूर्वजों के द्वारा गाई गई गीता है। और महाराज कैसे एक वो लोग गुनगुनाते रहे, कचिन को गुनगुनाते हैं, कचेन गाथा या गीता बारहस्पत्येन पावनाः। बृहस्पति जी महाराज के पुत्र हैं जिनका नाम है कच। ये श्री बृहस्पति जी महाराज के सुपुत्र हैं और बृहस्पति जी महाराज कोई सामान्य नहीं है। बृहस्पति जी महाराज के कई शिष्य हैं बड़े प्रचलित, जैसे श्री उद्धव जी महाराज भी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। तो ये बृहस्पति की आराधना क्रम में महाराज दीक्षा ली हैं। तो ये कच उनके सुपुत्र हैं। एक बार ये मेरु पर्वत पर विराजमान थे गुरुपुत्र सुरदेवताओं के महाराज पुत्र कच, और अंतकर्ण पवित्र था तो इनके अंतकर्ण में महाराज शुद्ध ब्रह्म विद्या का प्रसन्न हुआ तो मनन और निधिध्यासन के माध्यम से इन्होंने उस विद्या को पचाया, उस विद्या को अपने जीवन में उतारा और विश्रांति को प्राप्त हुई। अभिप्राय यह है कि जो हमारे गुरुजन हमको श्रवण कराते हैं वह श्रवण करके मनन करके निध्यासन करके ही विश्रांति हमको मिलेगी। पूर्ण बोध श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद ही तो होगा। श्रवण के बाद मनन आए, मनन के बाद निधिध्यासन आए, और जब महाराज ये बोध की ओर बढ़ गए। इनकी गीता बड़ी प्यारी है, एक श्लोक मैं सुनाता हूं, दो चार श्लोक। ये गुनगुनाते महाराज अकेले में भी होते हैं एकांत शांत वातावरण में, तो कहते हैं किम करोमि क्व गच्छामि किम गृह्णामि त्यजामि किम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या ग्रहण करूं और क्या त्याग करूं। इनका कहना है किम करोमि, मैं क्या करूं, कर्तव्य मेरा क्या है, जाना मुझे कहां है, को गच्छामी और क्या हम त्याग करें, क्या ग्रहण क्या गृहणामी त्यजामी किम, क्यों भाई ये प्रश्न क्यों उठ रहा है। बोले आत्मना पूरिता विश्वम महाकल्पा मुना यथा, जैसे महाप्रलय में सब जगह जल ही जल होता है, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जल का सागर भरा है, तो जल के अतिरिक्त कुछ नहीं तो वहां क्या होगा,
वो वैसे ये सारा आत्मन पूरीतः विश्वम, ये सारा का सारा विश्व आत्मा से पूर्ण है, पूरीत है। तो आप किसका त्याग करोगे, किसका ग्रहण करोगे, कहां जाओगे? हमारे महात्मा कहते हैं, जो जो करूं सो सो महाराज पूजा, जहां जहां जाऊं सो सो परिक्रमा। उनका चलना एक एक पग परिक्रमा है, उनका जो भी कर्म है वह पूजा है। वैसे कहते हैं हम करें तो क्या करें, आत्मना पूरितः विश्वम, ये सारा का सारा जगत आत्मा से पूरित है, आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। महाराज ये कहते हैं, यन नाम नाम यत किंचित सर्वेवांग परंपरा, जिसका महाराज जो चेतन स्वरूप जिनका नाम प्रसिद्ध है, उस नाम को नाम भी क्या कहें, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। पूर्णस्तृष्ठामि मोदात्मा, मैं तो पूर्ण स्वरूप हूं, प्रसन्न हूं, सुख में हूं, आनंद में हूं, क्योंकि अपने से अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। किससे भय, किससे मारा लज्जा, किससे संकोच, ये सारे के सारे चले गए, क्योंकि अपने अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। अब जरा सोचिए कितनी बढ़िया गीता है, इतने बढ़िया गीता और क्या हो सकती है। सारे जगत को ही बाधित कर दिया गया है, इसमें जगत है ही नहीं, जो भी दिख रहा है वह नहीं है। इस प्रकार से महाराज जब इन्होंने ये गीता का गान करते रहते हैं, राम जी महाराज हमारे कहते हैं कि ब्रह्मन ये सब मन का ही बनाया हुआ है, मनोराज्य ही है। तब भी लोग महाराज इसमें फंस जाते हैं, कांता में, सुख में, वैभव के नाम पर, ये कारण क्या है? तो महाराज इसमें कारण ना समझी ही है, और कोई कारण नहीं है। ना समझी के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। कई बार यदि विवेक नहीं उत्पन्न हो पाता तो व्यक्ति इसी में फंसा रहता है। इससे कैसे छूटा जाए, इसके लिए महाराज इन्होंने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया है, हमारे श्री जनक जी महाराज का। जनक जी महाराज वैसे तो धर्म का अनुशीलन करने वाले हैं, धर्माचरण करने वाले हैं, सदा सर्वदा आनंद में रहने वाले हैं। जनकपुर में जहां ये निवास करते हैं, राजा हैं, वहां के यहां वैभव का बहुत दिव्य ढंग से वर्णन किया गया है। कितना विशाल वैभव, कैसे कैसे सुंदर सुंदर उद्यान हैं जनकपुर के। वहां धन की कोई कमी नहीं है, वहां की धन, वहां महाराज धन की कोई कमी नहीं है, ऐसा यहां वर्णन किया गया उनके वैभव का। अमर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने वैभव किया है, वैभव का वर्णन किया है जनकपुर का। वहां सारे महाराज सुविधाओं की सारी सामग्रियां हैं, सब लोग वहां आनंद में रहते हैं। एक दिन हमारे श्री जनक जी महाराज, एक कथा महाराज यहां तो ऐसे क्रम से भी वर्णन किया गया है कि सायंकाल होता है तो कथा का विश्राम हो जाता है, राम जी अपने स्थान पर चले जाते हैं, संध्या वंदन आदि करके विश्राम करते हैं, और जो इन्होंने विषय सुना है वह सुना हुआ विषय चिंतन करते हैं। ये सबका वर्णन किया गया है, क्योंकि ये वाल्मीकि जी महाराज सुना रहे हैं, वाल्मीकि जी महाराज भरद्वाज को सुना रहे हैं, तो पूरा पूरा वर्णन करके सुना रहे हैं कैसे राघवेंद्र सरकार आते हैं, और जब गुरुजन बैठे होते हैं पूरी सभा में तो सब गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके महाराज बैठ जाते हैं चरणों में, और चरणों में बैठ करके महाराज बड़े प्रेम से श्रद्धा संपन्न होकर के महाराज गुरुजनों के चरणों में जो प्रश्न करते हैं, वही हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस सभा में यहां कई अध्यायों में महाराज ये वर्णन किया गया है, उस प्रकरण में प्रारंभ में तो यही वर्णन किया गया है कैसे सभा का विसर्जन होता है, और उस सभा में विसर्जित हो जाने के बाद कैसे आकर के राजा बैठते हैं। और महाराज ये कई दिन तक चर्चा चली है, तो सारे ऋषिगण भी वहां आ गए हैं, क्योंकि जहां ज्ञान की चर्चा होती है तो रस लोलुप लोग, ज्ञान को चाहने वाले, रस पीने वाले महात्मा लोग वहां पहुंच ही जाते हैं। तो वहां सब बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानेन्द्र, मुनिन्द्र उस सभा में सब विराजमान हैं, और महाराज वहां पर ये चर्चा वशिष्ठ जी महाराज सुना रहे हैं कि जिस समय राघव हमारे गुरु चरणों में श्रद्धावान होकर के बैठते हैं और गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं,
और श्रद्धावान होकर बैठते तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, पूर्वम राघव शस्त्रेण वैराग्येण परेण च तथा सज्जन संगेन नियताम पुण्यताम मन। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को समझाते हुए कहते हैं कि देखो भाई, एक तो राघव शस्त्रेण वैराग्येण परेण च, शास्त्रों का अध्ययन करके और जीवन में वैराग्य धारण करके, शास्त्रों के द्वारा आपको संसार की सच्चाई का पता चलेगा और विचार करने का सामर्थ्य जगेगा। तो शास्त्रों के माध्यम से आपको जब पता चल गया क्या सत्य है क्या असत्य है, तो महाराज उससे वैराग्य भी करना अपना काम होगा। और जब हम तथा संजन महाराज तथा सज्जन संगेन नियताम पुण्यताम मना, देखो भाई बात ये निश्चित है, शास्त्रों का स्वाध्याय अनुशीलन चिंतन बहुत जरूरी है। इसलिए स्वाध्याय मा प्रमद, श्रुतियां कहती स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, किंतु नारायण स्वाध्याय करके वैराग्य भी जीवन में आना चाहिए। अब हम वैराग्य की बातें बड़ी बड़ी पढ़ें और बोल दें, स्वयं हमारे जीवन में वैराग्य न हो, तो वैराग्य यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हमको लाभ कहां से मिलेगा उसका। ये महाराज कोई ऐसा तो है नहीं कि कहने मात्र से वैराग्य हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में वैराग्य उतरे, इसलिए तीसरा साधन भी बहुत जरूरी है, तथा सज्जन संगेन, सज्जन पुरुषों का संग मिले। क्योंकि महाराज ये सज्जन पुरुषों का संग मिलेगा जिनके जीवन में वैराग्य है। देखो वैराग्य जिनके जीवन में नहीं, वो चाहे कितने बड़ी बातें वैराग्य की करते रहे, क्या उनकी वाणी सुनकर वैराग्य होगा? नहीं होगा कभी। क्योंकि जिनके जीवन में स्वयं वैराग्य नहीं है, उनकी वाणी से वैराग्य होने वाला नहीं है। जिनको बोध नहीं है, उनकी वाणी से बोध होने वाला नहीं है। जिनके चित्त में भगवत प्रबोध नहीं है, वह चाहे कितनी बात कहें तो भगवान के प्रति कहां से व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा जगेगी? स्वयं श्रद्धा विश्वास से प्रबोध से भरे हुए नहीं है। तो महाराज यहां श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, जब संतों के संग हम करेंगे तो क्या होगा? बोले महाराज, ये जो संसार है ना, ये संसार एक महासागर है, और इस संसार सागर से पार होने के लिए बुद्धि रूपी नाव चाहिए। क्योंकि बुद्धि रूपी नाव से और विचार रूपी तट पर यह नाव तब पहुंचेगी जब बुद्धि रूपी नाव गुरु चरणों में बैठी होगी। ये गुरु चरणों की कृपा से महाराज होगा। तो बताते हैं कि इतने वैभव संपन्न ये भूमिका महाराज इन्होंने बताई है, जैसे देहनांगत से संबंधो ना अंगेन व अमलात्मना, कहते जैसे कीचड़ में गिरे हुए कि सोने का कीचड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर सोना कीचड़ में गिर जाता है तो एक बात आप बताइए, सोने का कुछ बिगड़ेगा क्या? सोना क्या पवित्र हो जाएगा? सोना ना पवित्र होगा ना कीचड़ उसका कुछ बिगाड़ पाएगा। वैसे आत्मा यदि शरीर में है तो शरीर आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, आत्मा तो ज्योत्यों रहेगा। प्रत्येक आत्मा प्रत्येक देही, महाराज आत्मा अलग है शरीर अलग है। जल पद्म, जैसे जल में पद्म तो रहता है, कमल जल में रहता है, जल ही उसका जीवन है, किंतु कमल में क्या जल आता है? कमल में जल ठहरता नहीं है। वैसे ये शरीर में रहता हुआ आत्मा भी महाराज शरीर में वेष्टित नहीं होता है, शरीर से लगता नहीं है। जब ये महाराज महात्माओं के साथ हम आप रहेंगे तब पता चलेगा। तो इन्होंने बताया कि एक दिन जनक जी महाराज एक उद्यान में बगीचे में घूम रहे थे, और जब बगीचे में घूम रहे थे तो भगवान की एक करुणा ही है, वैसे तो वातावरण में ये सिद्ध जन तो रहते ही रहते हैं, हर वातावरण में यहां भी कितने सिद्ध है, किंतु हमारी जब योग्यता होती है तभी वो सिद्धों की वाणी हमको सुनाई पड़ती है। अगर हमारी योग्यता न हो
हमारे शरीर की क्षमता न हो तो सिद्धों की वाणी हमको सुनाई पड़ने वाली नहीं है। अब देखो महाराज, ये जब वहां घूम रहे हैं बगीचे में तो इनके सामने सिद्धों की वाणी सुनाई पड़ने लगी जनक जी महाराज को, और सिद्ध महाराज ये गुनगुना क्या रहे हैं, यस्मिन सर्वम यस्य सर्वम, यस्मिन सर्वम यस्य सर्वम, यतः सर्वम यस्याद इदम एन सर्वम यद्भि सर्वम तत्सर्वम समुपास्महे, जिसमें यह सब है। यस्मिन सर्वम माने जिसमें यह सब है और जिसका यह सब है, महाराज जिसमें यह सब है और जिसका ये सब है, जिससे ये सब है, जिसके कारण ये सब हमारा टिका हुआ है और जिसके लिए ये सब है, जिसके लिए ये सब है और जिसके द्वारा ये सब है, जो या सब है वही सत्य हम है, जो या सब है वही सत्य हम है। यस्मिन सर्वम यस्य सर्वम यतः सर्वम यस्मात् इदम्। महाराज बोलने का ढंग देखिए बहुत प्यारा है, अलंकारिक भाषा है इनकी, एन सर्वम यद विद्धि सर्वम तत्सत्यम संपास्मे, अर्थात वही हमारा सत्य है और उसी सत्य की हम आराधना करते हैं, जो सर्व रूप में है, जो सब उसके लिए है, जिससे सारा ये संसार है, सर्वरूप है। एक महात्मा ने तो इस प्रकार से बोला, अन्य दूसरे महात्मा की आवाज आई, संत्यज यद गृहेशान देह वन्य प्रयांति ते। महाराज कहते हैं एक दूसरे महात्मा ने कहा, इस हृदय गुहा में जो दे दीप्यमान अपनी आत्मा है, हृदय गुहा में जो दे दीप्यमान आत्मा है, उस आत्मा का दर्शन छोड़ करके यदि इधर उधर महाराज व्यक्ति कहीं भटकता है, अब ये नाम नहीं लेंगे इधर उधर कहां भटकता है, आप अपने आप जान जाना, अपने हृदय देश में जो विराजमान परमात्मा है उसको न देख करके, उसको पाने का न प्रयास करके यदि व्यक्ति महाराज यदि इधर उधर भटकता है तो ये सिद्ध करते कहते क्या है, जैसे किसी के हाथ में कौस्तुभ मणि हो और वह कौस्तुभ मणि को छोड़ करके कांच की मणि लेने के लिए दौड़ रहा हो। एक सिद्ध ने पहले ही बात कही, दूसरे सिद्ध ने ये बात कही, तीसरे संत महाराज सिद्ध और बोल पड़े, सर्वासा किल संत्यज्य फल भेदास्तवास्तते। कहते और दूसरे ने कहा, संपूर्ण आशाओं का त्याग करके हृदय में स्थित ज्ञान के फल स्वरूप महाराज फल रूप या ब्रह्म प्राप्त होता है। अगर जीव महाराज उसको प्राप्त करने के लिए नहीं बढ़ता है तो वह गधे के समान है, केवल बोझ ढोता रहता है। जब महाराज ये बात सुनी दूसरे महात्मा और भी बोल पड़े, दूसरे महात्माओं ने और बोलना प्रारंभ किए, सिद्ध बोल रहे हैं अलग अलग, जैसे कोई सिद्ध कैसे बोल रहा है, कोई सिद्ध कैसे बोल रहा है। एक सिद्ध कहते, जैसे इंद्र के वज्र से पर्वत के ऊपर प्रहार करने से महाराज पर्वत बिखर जाते हैं, वैसे ही इन इंद्री रूपी सर्पों पर विवेक रूपी दंड का यदि प्रहार पड़ता है, महाराज यदि इंद्री रूपी इन सर्पों पर वज्र का यदि प्रहार पड़ता है तो सब पाप ताप संताप बिखर जाते हैं। जब इस प्रकार से महाराज कई महात्मा कैसे बोल रहे हैं, कई महात्मा कैसे बोल रहे हैं, ये वशिष्ठ जी महाराज कहते, जब ये सुना इन्होंने सिद्धों की वाणी, ये सिद्धों की महाराज गीता है, इति सिद्ध गणोद गीता गीता श्रुत्वा महीपति ही। महाराज जब इन्होंने ये गीता सुनी, क्योंकि कई गीता महाराज कई श्लोक होते हैं, आप लोग कई बार ध्यान दिए होंगे, गीता माने गीत ही है। तो हम लोग महाराज देखते हैं कई जगह दक्षिण की परंपरा में देखा, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग एक वेद मंत्र सब साथ मिलकर के बोलते हैं, वहां दक्षिण की परंपरा में हमने देखा एक मंत्र कोई ब्राह्मण बोल दिया, फिर सब महाराज जब दो ब्राह्मण बोल रहे हैं तो सब बैठ मौन है, उसके बाद दूसरे दो बोलने लगे, फिर दूसरे बोलने लगे, फिर तीसरे बोलने लगे, टोलियां अलग अलग एक साथ नहीं बोलते हैं। तो ये सिद्धगण मानो बगीचे में बैठे हैं, है तो संपूर्ण गीता वो,
जो सिद्ध गाते हैं, एक सिद्ध इधर से बोल रहे, एक सिद्ध इधर से बोल रहे, एक सिद्ध इधर से बोल रहे, एक सिद्ध इधर, चारों तरफ से यही आवाज आने लगी। ये ब्रह्म विद्या की चारों तरफ से जब आवाज आने लगी तो महाराज जनक जी घबरा गए। और जनक जी घबरा करके कहते, जैसे भीरू राजा कोई युद्ध छोड़ करके घर की ओर भागता है, ऐसे महाराज वहां से भागे। सिद्ध गुणों के द्वारा गाई हुई गीता को सुन करके, जगाम परिवारम स्वाकम कर्षन स्वगृहम प्रति स्वतीर वृक्षानुगतः सरिदो इवार्णवम, अपने परिवार में महाराज गए। वहां पर जाकर के चिंतन करने लगे कि कौन बोल रहा था, और सचमुच में बात तो सही बोल रहे थे। और ये महाराज चिंतन करते 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 ये चिंतन करने लगे, सचमुच में बात तो ठीक कह रहे, ये जगत की क्या सत्ता है, ये जन्म जरा रोग मरण ये सब शरीर के साथ लगे हुए हैं। और महाराज जिस विद्या को लोग गुनगुना रहे थे, और ये विद्या आज तक हमको मिली नहीं, हमारा शरीर वृद्धावस्था की ओर गमन कर रहा है, जर्जर हो जाएगा और रोग आ जाएंगे, तब इस विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे भी तो क्या करेंगे, अब हम कहां जाएं। और महाराज ये चिंतन करने लगे, कहते हैं मैं तो वैसे जैसे बिना रस्सी के कोई बंधा हुआ हो, बिना पंख के ही कलंक से युक्त हो, वैसे ही मैं नीचे गिरता चला जा रहा हूं। आज अगमुरेव बद्धोस्मी, मैं तो राग से बंधा हुआ हूं, और महाराज ये रस्सी दिखती नहीं है। सचमुच में जो हम लोग जिन रस्सियों से बंधे हैं, क्या वह रस्सी दिखती है? वह रस्सी दिखती है। हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस रस्सी के बारे में तो महाराज उन्होंने एक बात बड़ी अनोखी कही। श्री वल्लभाधीश वहां भागवत में टीका के श्लोक में लिखते हैं, कहते हैं लोह दार मई पासई पुमान बद्धो विमुच्यते। लोहे की रस्सियों से और भी कई प्रकार की रस्सियां आती हैं, उनसे यदि व्यक्ति बांध दिया जाए तो धीरे धीरे वो रस्सियां जर्जर हो जाती हैं। लोह दार मई पासई, हमने देखा है गायों के गले में जंजीर पड़ी हो, लोहे की मोटी जंजीर, वो चारा खाती रहते तो हिल हिल करके वो जंजीर घिसकर टूट जाती है। कुछ दिन के बाद जंजीर गले वाले भी और वैसे बांधने वाली भी बदलनी पड़ती है। अन्य महाराज रस्सियां धूप में खराब हो जाती हैं, पानी में खराब हो जाती हैं, सड़ जाती, पानी पड़े तो सड़ जाए, धूप में भी रस्सियां खराब हो जाती हैं, जर्जर हो जाती हैं। लोह दारुमयी पासई पुमान बद्धो विमुच्यते, लोहे की रस्सियों से बांध दिया जाए, दूसरी रस्सियों से बांध दिया है तो व्यक्ति छूट जाता है, किंतु पुत्र दारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। ये बेटे की रस्सी से और पत्नी की रस्सी से, पति की भी रस्सी ही है, इस रस्सी से महाराज जीव बंध जाता है। तो जैसे जैसे जीवन बढ़ता है ना, हम देखते हैं महाराज जैसे जैसे शरीर कमजोर होता वैसे वैसे राग मजबूत होता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, हमने महाराज कई लोगों को देखा, विरक्तों को देखा, कि जवानी के आवेग में तो बिल्कुल किसी से मतलब नहीं और किसी से कोई लेना देना नहीं, विरक्ति की बात करें, किंतु जैसे जैसे शरीर जर्जर होने लगा, तो जर्जर होने लगा तो राग डेरा डालने लगता है, राग अपने पैर फैलाने लगता है, किंतु गुरुजनों की कृपा हो और भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति निकल जाता है, न कृपा हो तो फिर फंस जाए, वृद्धावस्था में भी फंस जाए, राग आ जाए। तो राग की रस्सियां अवस्था जैसे बढ़ती वैसे मजबूत होती है। तो ये चिंतन करें, देखो तो सही, मैं तो आरज्जुरेव बद्धो हो, मैं तो महाराज रस्सी है नहीं किंतु तब भी मैं बंध गया हूं। नासमझी की तरसी, कल मैंने आप लोगों को सुनाया था वो गधा कैसे बंधा हुआ था, ये सब गधे वैसे ही तो बंध गए हैं, बिना रस्सी के महाराज उससे बंधे हैं। का इमे महामोहा, का इमे मम बांधवाहा, ये महाराज महामोह मेरा क्या मोह है, क्या बंधुगण मेरे कौन है, ये महाराज ये बालक के भूत के समान है। जैसे बालक को ठूठ में भूत का दर्शन होने लगता है, वैसे ये हैं तो हमारे कोई नहीं किंतु हमारे लग रहे हैं। क्व धनानि महीपानाम ब्राह्मणक क्व जगतानि वाह प्रक्तानि प्रयातानि केन विस्मिता मम। महाराज कहते हैं प्राचीन राजाओं के पास इतना धन था,
प्राचीन राजाओं के पास इतना धन था, किंतु महाराज वो एक भी धन लेकर नहीं गए, सब यही छोड़कर चले गए। आज केवल कथा अवशेष उनकी बची हुई है। और यही कहते हैं महाराज, ब्रह्मा के पास आयु तो वो भी नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े महाराज सब ये तो जल में जैसे बुदबुद उत्पन्न होते हैं, वैसे ये जगत उत्पन्न हो रहा है। और महाराज ये रात दिन ये चिंतन करने लगे, रात दिन चिंतन करते हैं कि हमारा किससे संबंध है, क्या पत्नी से है, परिवार से है, जगत से है, राज्य से है, कुटुंब से है, किससे हमारा संबंध है, कौन हमारा है। और महाराज जब ये, और सच में यदि ईमानदारी से आप एकांत में बैठ करके आप ये चिंतन करना कौन हमारा है, तो आपको पता चल जाएगा कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है। ये महाराज चिंतन इस विद्या का बार बार करें, देह का अभिमान, महाराज अगर देह के साथ अभिमान करें तो देह में क्या है, हड्डी है, मांस है, और इसमें क्या है, मलमूत्र का भंडागार है। ऐसे महाराज इन्होंने एक एक का चिंतन कर करके और अपनी प्रज्ञा के आधार पर शास्त्र चिंतन करके कहते हैं, जायन्ते च मृते च प्राकृतः क्षुद्र जंतवाहा धरातेरैव नीरंध्रा दुर्लभा साधु साधवा। अज्ञान के मोहित क्षुद्र प्राणी ही उत्पन्न होते हैं और मरते वही हैं, पृथ्वी इन्हीं लोगों को निगल जाती है। उत्तम आत्मा लोग दुर्लभ हैं, जिनको महाराज ये मौत भी निगल नहीं पाती है, जो मौत को भी महाराज मौत से जो पार हो जाते हैं। इस प्रकार से महाराज ये चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते देखो महाराज विचार ही, अभी मैं आज कल सुनाऊंगा आपको एक वाक्य, बड़ा विलक्षण क्रांतिकारी वाक्य मिला। उस वाक्य में ये हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज के प्रसंग में मिला है, प्रहलाद जी के चरित्र पे। महाराज उन्होंने कहा, गुरु भी हमको बोध नहीं कराता है। ये तो सुनकर बड़ा अचंभव लगा, क्योंकि अभी तक तो धारणा कलम सुनाएंगे उसको विस्तार से, यही धारणा है कि गुरु के द्वारा ही बोध होता है, गुरु की कृपा से ही बोध होता है। किंतु महाराज उनका जो चिंतन है बड़ा अनोखा है। गुरुदेव तो महाराज महावाक्य बोल रहे हैं, किंतु यदि हम विचार न करें उस पर, चिंतन न करें, तो क्या बोध पर्यावसी तक ले जाएगा ज्ञान, वो नहीं ले जा पाएगा। गुरुदेव की करुणा तो बरस रही है, किंतु बात यह है कि हम ही प्रमादी बने बैठे हैं, हमें आलसी बने बने बैठे हैं, हमें ही महाराज प्रमाद ने ग्रसित कर लिया है, हम ही सैकड़ों संकल्पों से जुड़े हुए बैठे हैं, सैकड़ों महाराज कामनाओं को लेकर के बैठे हुए हैं। गुरु की तो करुणा बरस रही है। इन्होंने महाराज जब ये चिंतन करना प्रारंभ किया है, इस प्रकार से महाराज ये रात दिन चिंतन करते हैं, और जब रात दिन चिंतन करते हैं ऐसा चिंतन करने लगे कि शरीर की सुधि भूल गई। एक दिन महाराज ये चिंतन कर रहे थे, प्रतिहार ने आकर चौकीदार ने इनको सुबह बताया, जगाया, उठो राजन आप कैसे सो रहे हैं, सो नहीं रहे थे। ये इसी चिंतन में लगे थे और यही इनकी धारणा रहती थी। इस विचार करने मात्र से महाराज, विचार करने से इनको बोध हो गया, क्योंकि विचार बुद्धि में यदि जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, और जब बोध हो गया तो जनक जी महाराज उसके बाद बोधवान बन करके जो महाराज राज इनको क्योंकि बोध होने के बाद अब किसका छोड़कर कोई राज, बोध अगर हो गया तो कोई भागना है क्या, कहीं भाग के जाओगे कहां। इसलिए मैंने वो कच गीता में छोड़ रहा था, किंतु बाद में मुझे लगा कि कच गीता भी छोड़ने लायक नहीं है। कच गीता मुझे लगा कि छोड़ देते हैं, ये प्रसंग विस्तार से लेंगे, तो बाद में लगा नहीं, कच गीता भी बड़ी अनोखी है, भले उसके अल्प शब्द है, किंतु महाराज कहां छोड़ना होगा। इसलिए महाराज जी ने आपको, मान जी महाराज ने प्रारंभ के दिन जब इसका वर्णन किया था, तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज का संकल्प है कि जो इस महाराज रामायण का, महारामायण का श्रवण करेगा उसको बोध निश्चित होगा ही होगा। ये उनका संकल्प था कि होगा ही होगा। तो बोध माने, आप लोग ये मत समझना कि बोध माने कोई बाबा जी जाके छोड़ करके बन जाओगे, कि हम लाल कपड़ा पहन करके बोध हो जाएगा, कि अमुक से बोध हो जाएगा, अमुक से बोध हो जाएगा। जनक जी महाराज को उस चिंतन मात्र से, महाराज जो चिंतन की इनकी प्रणाली है,
आप उसको महाराज मूल में जरूर पढ़िएगा कैसे कैसे महाराज ये चिंतन करते हैं। चित चंचलम संसार आत्मनो न सुखाय में सम्मेयी समस्तांतम सुखम सार्वमपाप्यते। ये महाराज दूसरे को नहीं ये अपने चित्त को ही समझाते हैं। हे चित्त ये चंचलता ही संसार है। अरे बाबरे चित्त और जो हमारा सुख का सार है वो अपना आत्मा ही है। अपना स्वरूप सुख का सार और चंचलता ही हमारा ये संसार। इसलिए सम को धारण करके शांत चित्त होकर के अपने अपने स्वरूप को पहचानो। महाराज अपने मन को बारंबार ये समझाते हैं और ये मन को जो इन्होंने उपदेश दिया है ऐसे ढोंग सुंदर ढंग से महाराज राजा हमारे जनक जीवन मुक्तता को प्राप्त हुए हैं। जीवन मुक्त स्वरूप को प्राप्त हुए हैं क्योंकि इनकी प्रज्ञा के माध्यम से ही इन्हें प्राज्ञ परमात्मा का बोध हो गया। प्रज्ञा के माध्यम से प्राज्ञ परमात्मा का बोध हुआ है। और बाद में हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बलि की भी चर्चा सुनाई है, बलि को भी बोध हुआ। और हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज को भी बोध हुआ है। प्रहलाद जी की जो बोध की चर्चा है नारायण वो तो बिल्कुल विलक्षण है। प्रहलाद जी की बोध की चर्चा और बलि की बोध की चर्चा मैं नारायण सुनाऊंगा तो कल आपको, किंतु बिल्कुल विलक्षण चरित्र है। हमने प्रहलाद जी महाराज के जितने चरित्र अभी तक पढ़े अपने विष्णु पुराण का भी प्रवचन करने का अवसर मिला। ये हमारे गुरुजनों की हेतु की कृपा है। वो लोग सोचते हैं ये ऐसे बाबरा तो ये पढ़ेगा नहीं, इसको प्रवचन कराने के लिए कह दो तो अपने आप पढ़ेगा। तो एक हमारे महात्मा ने कहा कि हमको विष्णु पुराण सुनाओ, तो हम फिर विष्णु पुराण सुनाने में लगे तो इसी ब्याज से संपूर्ण विष्णु पुराण का अध्ययन करने का अवसर मिला। उसी ब्याज से एक माता जी हमारी माताओं की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, जैसे ये माता जी ने हमको इसमें लगा दिया वैसे एक माता जी हमारी हैं, उन्होंने कहा हमको शिव पुराण सुनाओ, तो शिव पुराण सुनाने में लग गए। उसमें 24,000 श्लोक हैं और गुरुदेव की कृपा से प्रत्येक श्लोक पर दृष्टि गई। जैसे मैं इसमें भी एक भी श्लोक छोड़ नहीं रहा हूं, बोलने में नहीं पढ़ने में, बोलने में तो मेरा संभव नहीं है सब, किंतु मैं एक और जो श्लोक हमको अच्छे लगते हैं मैं उनको कई बार पढ़ता हूं, बार बार उनको चिंतन करता हूं उन श्लोकों को। जैसे हमको आज कच गीता बहुत अच्छी लगी तो हमने कच गीता तो अपनी डायरी में उतारी है कि वह गुनगुनाने लायक कच गीता है। तो मैं निवेदन कर रहा था से जो जो प्रसंग लगते हैं, तो जैसे भागवत का अध्ययन किया, अन्य पुराणों का, लगभग गुरुजनों की कृपा से 13-14 पुराण तो पढ़ लिया, 18 तो नहीं हो पाए अभी संक्षेप वाले, तो वैसे 13-14 पुराण हो गए इसी क्रम में। तो मैंने महाराज जितना अध्ययन किया है गुरुजनों के चरणों में बैठकर, वैसे भी मैं निवेदन करूं जो प्रहलाद जी का चरित्र और बलि जी का चरित्र यहां पर वर्णित है, जिस दृष्टि से ये तो हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज को बलियारी हैं कि उन्होंने किस दृष्टि से श्री प्रहलाद जी महाराज को देखा है। अभी तक तो हम लोग यही समझते हैं कि प्रहलाद जी महाराज परम भागवत थे, परम भक्त भगवान के। और भागवत में तो है कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा नवेदी जगदी दृशम, किंतु ये परम भागवत के साथ साथ ये परम मुक्त महापुरुष भी हैं, ब्रह्मात्मिक के बोध वाले महापुरुष हैं हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज, वैसे श्री बलि जी महाराज। ये चर्चा प्रातः काल की पावन पवित्र बेला में हम सब रखेंगे, इसको आप आनंद से आकर श्रवण करें। बहुत रसीले प्रसंग हैं ये सारे और सच में भक्ति से भी ओतप्रोत है, ऐसा नहीं कि भक्ति से ओतप्रोत नहीं, भाव से भी ओतप्रोत है। इनकी चर्चा हम कल करेंगे, आप सब आकर इसका रस स्वादन करें। अंत में अपने आराध्य के पावन पवित्र चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।